ऑर्डर्स मंथ का कर रहे हैं, मंथ का कर रहे हैं। हाँ, और मेरे को पता है कि मार्केट के अंदर लोग इसको ना खराब कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट बनाने बैठे हैं। मैं प्राइस वॉर चीज़ें नहीं कर रहा, मैं गुज्जू भाई आपसे प्राइस वॉर नहीं कर रहा। आप वो फायर होनी चाहिए काम करने की, सिर्फ कैपिटल बेस पे नहीं करते कि आपने पैसा दे दिया, एक ट्रस्ट भी होना चाहिए। हम लाला जी नहीं लेते, हम एंटरप्रेन्योर से लेते हैं अपने पास। और चक्सु भाई आप बताओ क्या हाल चाल है? मैं बहुत बढ़िया। साहिल भाई आप बताओ कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन फॉर योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एंड यू आर द फर्स्ट गेस्ट। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? आई एम ऑनर्ड टू बी योर फर्स्ट गेस्ट पर्सनली एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड मैं बहुत गुड विशेस करूँगा कि ये पॉडकास्ट आगे जाए। ऑब्वियसली जाएगा ही, यू हैव लाइक फायर्ड फर्स्ट पॉडकास्ट। डन है। हाँ, मैंने इसी रीजन की वजह से ना, मैंने कहा यार अपने बंदे पहले टेबल पे बैठेंगे तो और मजा आएगा। करेक्ट। ठीक है, और बताओ लाइक क्या चल रहा है लाइफ में, कैसी चल रही है? मुझे बिजनेस से रिलेटेड तो चीजें पता है, मैं आपके रिगार्डिंग पूछना चाहता हूँ कैसी चल रही है लाइफ। अगर एज इन पर्सनली पूछोगे तो मैं इतना ज्यादा कोई फोकस नहीं कर रहा अभी, करेंटली बिल्ड पे ही ज्यादा ध्यान है कंपैरेटिवली टू पर्सनल लाइफ। मतलब अभी हसलिंग चल रही है, नॉट हसलिंग लाइक ग्रोथ। आप थोड़ा सा इलैबोरेट करोगे हमारी ऑडियंस के लिए? लाइक देयर इज टू थिंग्स हमेशा, कि एक आपके हार्ड वर्क हो सकता है और एक हो सकता है स्मार्ट वर्क हो सकता है। ठीक है, आई एम पीपल से हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट, या इट्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, बट हार्ड वर्क से आपको 100% सक्सेस मिलेगी, जो कि नहीं है, नॉट 100% शॉर्ट ही नहीं है। लाइक मेहनत तो बेचारा लेबर भी कर रही है, रिक्शा वाले भी कर रहा है, मगर तुमसे ज्यादा ही मेहनत कर रहा है, उल्टा हमसे ज्यादा ही कर रहा है, बहुत ज्यादा भाई। बट वो ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहा? इट्स ऑल अबाउट द लेवरेज, कि आपका आपने 2 घंटे काम करा बट 2 घंटे की आपकी लेवरेज कितनी बड़ी है, आपने एक्चुअली में उस 2 घंटे में क्या किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली हाँ, कि 2 घंटे में आपने 10 घंटे का काम आप 2 घंटे में कर सकते हो, बट आपने 10 घंटा लगाया एंड यू आर फीलिंग लाइक कि मैंने बहुत मेहनत करी है, बट एक्चुअली 2 घंटे में हो सकता था वो जो कंप्लीट। लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, लाइक मैंने 10 घंटे काम करा, मैंने 12 घंटे काम करा, मैंने 14 घंटे काम किया और उसके बाद मैं ये चीज़ अचीव कर पाया। बट एक्चुअली में देखा जाए ना, बहुत बार क्या होता है जब भी हम लाइक जिस इंडस्ट्री में हमें लाइक मार्केटिंग और ये एजेंसीज और हमारी जो बिजनेस ओरिएंटेड एजेंसीज हैं, इसमें सबसे ज्यादा मेजर क्या होता है, हमारा फिजिकल से ज्यादा मेंटल वर्क होता है, राइट? या अग्री करोगे? अग्री। अब मेंटली ना हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं जब हम एक चीज को बार बार करते रहते हैं। उस चीज को हम लोग कट डाउन करके, लाइक मैं आपसे उसमें कुछ एडवाइस मांगना चाहूंगा, ऑफकोर्स हमारी ऑडियंस के लिए मैं भी कुछ एडवाइस करूंगा जो मैं रेगुलर बेसिस पर करता हूँ, कि आप इन चीजों को कैसे टैकल करते हो, कि फिजिकली तो हम नहीं थक रहे हैं बट मेंटली थकते हैं, राइट? और उस चीज का इम्पैक्ट बहुत बार हमारे फैमिली, हमारे रिलेशनशिप्स और अदर चीजों पर भी इंपैक्ट आता है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आप भी एग्री। ऑब्वियसली अगर मेंटल हेल्थ पे अगर आप एग्जॉस्ट हो गए, तो आप डिसीजन में इन द एंड क्या होता है, एग्जॉस्ट होते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, सिंपली है ना। और आप कुछ भी कर रहे हो, आप फैमिली में हो, आप रिलेशन में हो, आप मैरिज लाइफ में हो, किसी में भी हो आप, तो हैव टू मेक सम डिसीजंस इन द एंड। घर पे भी कुछ ना कुछ डिसीजन अपना आउटपुट रखना किसी भी बात पे तो इम्पॉर्टेंट है। तो जब बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, ऑब्वियसली इट्स गोना इम्पैक्ट एवरीथिंग। बट इसके अंदर मैं साहिल भाई आपको एक चीज़ बोलूँगा, इसके अंदर हम फील लिटिल डिफरेंट। इसके अंदर की जो एग्जॉस्ट वाली चीज़ है ना, वो मैं ना पर्सनली कंट्रोल नहीं कर पाता, नहीं हो पाती। ठीक है, कंट्रोल इन द सेंस यही नहीं बोलूँगा कि आई हैव अ प्रॉब्लम विद इट, कि एग्जॉस्ट करके अगर मैं जब सो रहा होता ना तो लास्ट थॉट भी मेरा कुछ वर्क रिलेटेड होता है और फर्स्ट थॉट भी होता है, तो वो वाली चीज तो नेवर एंडिंग वाले मैं फील करता हूँ कि उसका तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये वाला तो प्रोसेस ऐसा है, एक बार आप बिजनेस में घुस गए ना तो फिर ये चीज आपको देखनी ही है। करेक्ट, कि आप उठ रहे हो तब बिजनेस, होता ही होता है। कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले कभी कभार थॉट्स चेंज होते थे, बट जब से फुल ऑन बिजनेस में है, फुल टाइम फुल ऑन बिजनेस में है, तो थॉट्स थोड़े चेंज हो गए हैं। वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द गेम है। लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, जो कि
एज अ बिजनेस ओनर यू एंड मी ऑफ कोर्स हम लोगों को हर टाइम एक डिसीजन मेक करना होता है, राइट और रॉन्ग वो बाद में डिफाइन होता है, बट डिसीजन मेकिंग ही है। ठीक है, तो लाइफ अच्छी चल रही है? हाँ, अभी तो अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। हाँ। आगे के प्लान्स कुछ और हैं? लाइक मैंने बहुत बार नोटिस किया है, बहुत लोग ना अपने आगे के प्लान्स को लेकर ना बहुत ज्यादा ये होते हैं कि यार आज मैं ये करूंगा तो मेरा आगे वो होगा। लाइक आप इस चीज में बिलीव करते हो? की रिपीट योर क्वेश्चन। मतलब माय क्वेश्चन इज सिंपल कि आज अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ तो आगे मुझे ये चीज मिलेगी, लाइक एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन आप समझो। okay. बहुत बार हमारी एक्सपेक्टेशन टूटती हैं और उस एक्सपेक्टेशन टूटने के बाद जो हम लोगों का इनर फीलिंग और इमोशंस होते हैं ना वो ड्रास्टिक चेंज होते हैं। तो आप इस चीज में बिलीव रखते हो कि हाँ जो मैं अभी कर रहा हूँ उसको मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक चीज चाहिए, कभी ऐसे कभी फील किया है? ओके, बट हाँ इस चीज के अंदर है, बट थोड़ा लिटिल डिफरेंट, क्योंकि जो भी डिसीजन मेकिंग है फ्यूचर जो प्लान्स होते हैं मेरे, वे बोल सकते हो कि इट्स नीड टू बी लाइक गिविंग बैक। मतलब कि इसमें कुछ जैसे एग्जांपल मैंने 2 महीने कुछ चीज में मेहनत करी या कोई चीज का प्लान है, राइट right. तो मेरे पहले से ही उसमें आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल की मेरा न्यू बिजनेस विच आई एम प्लानिंग SaaS related है, तो इसके example है 2-3 months तक I will give my time, my team's time, my money, उसके अलावा मेरे को उसके अंदर ज्यादा नहीं रखेगा return या कुछ नहीं देगा, तो I will shut it down, right? तो इसके अंदर बहुत long term मैं expectations नहीं लेकर जाते हो आप अपना। मतलब मेरा ये आला नहीं है कि मैं क्या बोलते हैं उसे तैयारी नहीं कर रहा मैं एग्जाम्स की, कि मेरे 3 महीने 4 साल 3 साल 4 साल के बाद मेरे को रिजल्ट मिलेगा यूपीएससी का। मेरा है कि मैंने अभी कर रहा हूँ, 3 महीने में पता चल जाएगा मेरे पैसे का रिटर्न आया yes नहीं आया। और नो नो करेक्ट यस और नो। हाँ मतलब सिंपल है, एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए बट एक लिमिटेड रखनी चाहिए, एंड ऑल्सो अपने माइंड को भी प्रिपेयर रखना चाहिए कि अगर ये चीज ऐसे इम्पैक्ट होगी तो आपको अपने ऊपर। एग्जैक्टली, देखो 2 चीज होगी ना, आप एक्सपेक्टेशन वाली बात कर रहे हो, इट्स एन इमोशन, इमोशनल थिंकिंग। मैं प्रैक्टिकली लाइक आई हैव पॉइंट्स स्टार्ट्स की इसके ऊपर जाए तो इट्स राइट, इसके नीचे गए इट्स रॉन्ग, तो या तो इमोशनल आप डिसीजन लोगे या तो आप क्रिटिकल या डेटा पॉइंट्स पे लोगे। एंड बिजनेस में डेटा पे ही मेजर, इमोशंस पे तो एनजीओ चलता सिर्फ। दिस वाज डीप। ठीक है, एनजीओ चलता है इमोशंस पर, एंड कह सकते हैं कि एनजीओ क्यों चलाए जाते हैं, बहुत सारे बैक रीजन है। सारे एनजीओ इमोशंस पे नहीं चलते, सारे नहीं चलते हैं, बट यू गॉट माय पॉइंट। यस आई एंड बहुत सारे लोगों ने भी हमारे पॉइंट को गॉट किया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा लाइक बिजनेस ओरिएंटेड, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है, लाइक ऑफ कोर्स अब आपकी भी है वो ऑडियंस, तो वो जानना चाहती है, एंड मैं बिजनेस ओरिएंटेड कंटेंट बनाता हूँ, तो ई कॉमर्स एंड ऑल, एंड You are the player, one of the player. मैं ऐसा नहीं है कि हम लोग first time communication कर रहे हैं। Correct. हमारी communication already बहुत बार हुई है, and you are the right person, इसलिए मैंने first of all आपको invite किया कि मेरी जो already audience है, जो build होगी वो अलग, जो already audience है मैं उनको actually में एक कोर नॉलेज अबाउट ई कॉमर्स, अबाउट ड्रॉप शिपिंग, अबाउट फेसबुक एड्स, इन लोगों के रिगार्डिंग, इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे ना स्टीरियोटाइप हैं, उनको खत्म करेंगे आज। ठीक है, मेरा जो मेन फोकस है कि भाई मार्केट में जब एंटर करो ना, तो या तो आप हो या फिर आपके जैसे जितने भी हो उनको हटाओ। मतलब ये वाला गेम मेरा हमेशा स्टार्टिंग से रहता है। तो आज क्योंकि मैं जब आपके साथ बैठा था, जो इनसाइट्स हम लोगों ने डिस्कस करी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज अमेज्ड, एंड लास्ट लाइक थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दो, फिर उसके बाद हम जाते हैं कि आप लाइक कब आपने स्टार्ट किया और ई कॉमर्स ही क्यों, ठीक है थोड़ा सा ब्रीफ करो, फिर मैं आगे आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा, एंड आज बहुत सारे टेक्निक्स और ट्रिप्स जो मैं भी खुद सीखूंगा ऑफ कोर्स, जो कि लाइक मुझे भी पता चलेंगी नई नई चीजें, जो कि क्या राज है उस बड़े टर्नओवर का। और बिल्कुल, मगर मैं ये बताऊं कि जो सारे सीक्रेट्स हो गए वो आपको पॉडकास्ट पे नहीं मिलेंगे, आई हैव अ कोर्स फॉर दैट। ये तो वो वाली वो हमारी बिल्डिंग हो गई, क्या कहते हैं, हम लोगों ने स्टार्ट करी है सारी चीजें, बट हाँ इतना बताऊंगा। हाँ बाकी बिल्कुल यार, बिल्कुल, ये देखो ना, इस चीज में ना गलत सही दोनों चीजें बहुत लोग, पता है क्या होगा अगर कमेंट्स पे आएंगे ना, मैं बताता हूँ आपको क्या होगा, भाई कुछ नहीं है कोर्स बेच रहा है। हाँ भाई मैं नॉलेज है तो बेच रहा है भाई। हाँ मैं बेच रहा हूँ, हाँ सिंपल
हाँ बेच रहे हैं, सिंपल है भाई। मैंने 5 साल दिए किसी एक बिजनेस के अंदर, मैंने नॉलेज गैदर करी, उस चीज को मैं अब कैपिटलाइज कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं करूंगा। Exactly. आप कहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्री में रहते हो, कैपिटलिस्ट कंट्री में, पहले मेरे को ये बताओ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ब्रीफ करो, आपने कब स्टार्ट किया और लाइक क्यों ई कॉमर्स ही क्यों, ड्रॉप शिपिंग ही क्यों, थोड़ा सा ब्रीफ। ऑलराइट, तो मैं स्टार्ट मेरे को स्टार्टिंग से करूँ या ई कॉमर्स के साइड? स्टार्टिंग से ही करते हैं कि लाइक आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही है, कब स्टार्ट किया था सारी चीजें। मेरे को तो पता है, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को पता चले कि हाँ भाई सब कुछ जो आप सोचते हो वही नहीं होता, बहुत बार बिजनेसेस ऐसे भी बिल्ड होते हैं। करेक्ट, तो मैं स्टार्ट करूँ इनको इनिशियल से, तो ये था कि मैं स्टडीज़ के अंदर काफ़ी स्टार्टिंग से बिल्कुल अच्छा नहीं था, मतलब लाइक आई वाज अ बैक बेंचर और मैं फेल होता था, ठीक है, क्लासेस के अंदर। तो मेरा जो फर्स्ट बिजनेस बिल्ड हुआ था वो मेरे स्कूल के अंदर ही हुआ था। ग्रेट, कौन सी क्लास में वो हुआ था? मेरा 6th क्लास के अंदर। ग्रेट, 6th, नॉट 5th या 6th, नॉट श्योर कि टाइम हो गया, बट ये है कि 5th 6th में हुआ था। तो उसके अंदर ये था कि जो मैं बिजनेस कर रहा था वो मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे, बट यू कैन से कि मेरा फर्स्ट बिजनेस था स्कूल के अंदर स्टार्ट हुआ था। इट्स लाइक ट्रेड ऑफ समथिंग अ प्रोडक्ट, समझिए कि मैं खरीद के लेके आता था और मैं सेल करता था अपने स्कूल के अंदर, स्टार्टिंग से बिजनेस वाला माइंड था। ठीक है, तो उसके बाद गया वो, जब मेरे स्कूल में पता चला उस चीज के बारे में, तो आई गेट रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम स्कूल कि ये सब नहीं चलेगा ऐसा वैसा। क्या बेच रहे थे, मुझे ऑफ कैमरा बताओ? ऑफ कैमरा बता दूंगा, मैं बोल देता हूँ, म्यूट कर देना। ठीक है, क्या बेच रहे थे? इलेक्ट्रिक वो नहीं आते वेव, ओके, पतली पेन वाला। तो यार ये म्यूट क्यों करना है, तो ऑडियंस हमारी बहुत ज्यादा है उसमें। दिल्ली एनसीआर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो उसके रेस्टिकेट कर दिया ऐसे ऐसे करके, तो फिर ठीक है स्कूल, फिर वापस घर वालों ने बोला कि प्लीज ले लो, तो उन्होंने दो एक महीने रेस्टिकेट करके रखा। रेस्टिकेट या मैं बोलूँगा सस्पेंड बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो एक महीने बाद वापस आया मैं, उसके बाद फिर 2-3 साल नॉर्मल चला, उसके बाद फिर मैं 9th में फेल हो गया। ठीक है, तो 9th से क्या होता, 9th के स्टार्टिंग में 8th के एंड पे मैंने बोल सकते हो उससे पहले मैंने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था, लाइक जो मेरा फर्स्ट बिजनेस था उसके बाद मैंने जो चीज स्टार्ट करी थी वो था कि मैं फोन सेल करता था ओएलएक्स पे। इट्स अ प्री जियो टाइम, कि उस टाइम जियो नहीं आया था, तो मैं क्या करता था कि इट्स अ वेरी नोन एंड बिग मार्केट, जो दिल्ली में बाकी जगह रहता है पता होगा, गफार मार्केट। हाँ, बहुत। तो उस टाइम पे iPhone 4S काफी ट्रेंड में था, आईफोन्स का था। तो मैं क्या करता था, करोल बाग जाके फोन खरीदता था 4,500 रुपए का, उसे खरीद के लाता था, फिर ओएलएक्स पे मैं डालता था, तो इजीली बोल सकते हो 1500 मार्जिन क्लियर आराम से निकलता था। तो उस टाइम पे वीक में बोल सकते 2-3 फोन तो इजीली सेल होते थे। तो जो उस बिजनेस का टाइम आया था, दैट वाज लाइक कि मैं आई वाज 13-14 अराउंड, तो मैं मंथ का 20-30,000 अर्न कर रहा था उस टाइम। ग्रेट, एट द स्टेज ऑफ 13-14 यू आर अर्निंग अबाउट लाइक अराउंड 20-25। हां, 20 इजीली ले लो, 20 होता था। अगर हम एवरेज 15 भी ले, let's not take 20-25, 15 बिले at the age of 13-14 is amazing bro, thank you। और उसके अंदर भी ये था कि थोड़े पैसे मैंने घर वालों से लिए थे, थोड़े मेरे से थे, और मैंने साइकिल बेची थी अपनी। तो फिर वो करा, उसके बाद क्या हुआ, बट मैं बोलूंगा कि उस बिजनेस को मैं बहुत आगे ग्रोथ तक भी लेके जा सकता था, बट उसके अंदर मैं अभी सोचूं तो मेरे को लगता है कि मैंने थोड़ी मिस्टेक्स करी थी उसके अंदर, कि आई वाज लाइक चाइल्ड दैट टाइम एट द एंड। तो मैंने करा, थोड़े बहुत पैसे कमाए, कि मेरा पैसा आ गया लाइक ठीक है, उसके बाद बिजनेस छोड़ दिया वाला, कि मैं उसको कंटिन्यू रख सकता था। मैंने 3-4 महीने 5 महीने तक करा, उसके बाद फिर मेरे को पता चला यूट्यूब के बारे में। उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट चैनल ओपन करा, ठीक है यूट्यूब पे। तो मैं टेक वीडियोस बनाता था कि एप्लीकेशंस के टिप्स एंड ट्रिक्स टाइप, अनबॉक्सिंग वगैरह। तो उस चैनल मेरा हुआ था 2500 सब्सक्राइबर उस टाइम पे, प्री जियो टाइम था वो। तो 2500 प्री जियो टाइम, बहुत अमेजिंग लाइक इतने सब्सक्राइबर गेन करना, क्योंकि जियो के बाद ही एक्चुअली में एक्चुअली बूस्ट अप एक मिला था लोगों को, कि ये लोग कहते हैं ना कि इतने डेज में कर लिया आसान लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो वाला टाइम एक्चुअली था जिसमें हार्ड होते थे एक एक सब्सक्राइबर को गेन करना, नो डाउट। उसके बाद क्या हुआ, इतना हो गया था चैनल, मतलब बोल सकते हैं नॉट वेरी बिग, बट उस टाइम के लिए इनफ था। तो मेरे को बोल सकते हैं ब्रांड जो होते हैं, जिनके इवेंट्स होते थे ओपनिंग इवेंट्स, उस पे भी इनवाइट्स आते थे। मैं आपको इमेज भेज दूंगा, तो यू कैन पुट इट डाउन कि ऑनर, माइक्रोमैक्स, ठीक है, ग्रेट, आई बॉल भी था उस टाइम, आई बॉल नहीं बोला। तो ऐसे काफी सारी कंपनीज थी जो अपने इवेंट्स में बोल सकते हो यूट्यूबर्स को और ये जो आर्टिकल्स वाले होते हैं सबको इन्वाइट करती थी टू पब्लिश इट।
करके राइट वही कोलैबोरेशंस और बिल्कुल। तो उसके बाद मेरे को ये चीज समझ आ गई थी कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था बट इसमें अर्निंग नहीं थी और उस टाइम भी मेरे 9th के एग्जाम चल रहे थे ठीक है। और तो मैं फोकस करता नहीं था, मैं लाइक 14-15 साल का होगा मेरे को याद नहीं एज, मेरे ख्याल से 13-14 साल की था। तो उस टाइम पे मेरे को भाई ऑनर से बुला रहे हैं, ताज होटल में बुला रहे हैं, सम्राट में, तो दैट वाज वेरी बिग फॉर मी दैट टाइम। तो मेरे को लगता था स्कूल जाके क्या ही मिलेगा सिंपली ठीक है, कि स्कूल जाके तो कुछ होना नहीं है ठीक है, और मेरे को अच्छी भाई कैब आ रही लेने बड़ी बात लगी थी, 5-star होटल स्टे कर रहा हूँ। हाँ स्टे कर रहे हैं अगर क्या बोल, इसमें ये भी प्रॉब्लम थी कि काफी सारे इवेंट्स होते थे आउट ऑफ सिटी होते थे, जैसे मुंबई के अंदर हो रहा है तो उसमें मैं जा नहीं पाता था, क्या आई वॉज अंडर 18 तो उसमें मेरे को इन्वाइट था बट मैं इसलिए जा सकता था क्योंकि नीड अ गार्डियन टू टेक मी, तो कोई भी क्यों लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे। तो उस टाइम पे मेरे कंपेनियंस बोल सकते हैं बहुत सारे थे, तो आप फैमिली को नहीं बता रखा था कुछ? नहीं बता रखा था उन्होंने बट वो मेरे फैमिली की थोड़ी ना टिकट दे गए कि फ्लाइट के एंड स्टे की ऑब्वियसली। तो इसमें एक इवेंट था मेरे को अभी तक याद है, एक आपको पता होगा फोन कूल पैड करके, हाँ एक बहुत स्टार्टिंग है ना स्टार्टिंग में आया था कूल पैड करके, तो उन्होंने अपने इवेंट करा था बहुत फंडिंग्स के साथ, उन्होंने करा था दुबई में ठीक है। तो वो सारे सबको दुबई लेके गए थे कि जितने भी यूट्यूबर्स और आर्टिकल्स वाले थे उनको दुबई लेके गए थे, फ्लाई करवाया था अपने, स्टे कराया था और ऐसा था। तो उसके अंदर मैं इसलिए सेम मेरे को बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे कि दुबई में इसी अर्ली एज में जाता, प्लस एक सी जाना इज अदर थिंग, जो एक्सपोजर और नेटवर्क मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि रीजन बीइंग कि एज कम थी, और एक मेरा फ्रेंड था मैंने उसको बोला था कि बी माय गार्डियन, तो उसने पहले हाँ हाँ बोला उसके बाद उसने मना कर दिया। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत गुस्सा आया बट नाउ इट्स टोटली मतलब एक्सेप्टेबल कि अगर मेरे को कोई बच्चा बोले कि तू उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मैं बोलूंगा यार नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ठीक है, क्या पता वो शैतान हो, शैतान ठीक है। तो उसके बाद 9th के पेपर चल रहे थे ठीक है, फोन वाला काम भी चल रहा था, मैं इवेंट्स में जा रहा था, तो लाइक कि भाई लाइफ तो मस्त चल रही है। तो मैं फिर 9th में फेल हो गया। ठीक है, तो ऑफ कोर्स लाइक एक अब मुझे एक स्पेसिफिक रीजन मिला कि आप क्यों हुए थे, आपने बताया था मुझे बट एक स्पेसिफिक, क्योंकि आप अदर थिंग्स में बहुत एक्टिव हो गए थे, टाइम नहीं मिला पढ़ाई का एंड अदर थिंग्स में यू आर डूइंग ग्रेट राइट, तो इसी रीजन की वजह से ठीक है। तो उसके बाद मैं फेल हो गया, फिर स्कूल से निकल गया मैं। उसके बाद ये था घर वाले इज लाइक, मैं घर वालों को ये स्टार्टिंग से बता था कि एजुकेशन में इसका कुछ नहीं हो सकता, दे आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली क्लियर कि उन्हें बचपन से पता उनका लड़का है कि क्या फैमिली से पहले तो खुद को भी पता चल जाता है, खुद को पता चल जाता है हाँ ठीक है। उसके साथ में एंड आई फील ब्लेस्ड ऑन दिस साइड कि इसके अंदर क्या था कि जो मेरी फैमिली थी ना इट्स वेरी वेल एजुकेटेड सारे, मगर जो मेरी मम्मी वाली मम्मी थी ना, तो मम्मी का बैकग्राउंड बोल सकते दे आर रेफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद आए थे वो ओके, तो उनकी जो फैमिली लाइन थी दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड कि वो अपना घर देखेंगे अपने एजुकेशन पे देखेंगे, तो उनके फैमिली से में से भी बहुत सारे बोल सकते बहुत एक्सट्रीम रिच लोग हैं जो जिनके डायमंड्स का भी काम है ठीक है। तो मैंने एक्सट्रीम रिच, तो उनको मेरी मम्मी को इस चीज़ का क्लियर था एजुकेशन इज नॉट सिनोनिम बाय वेल्थ ठीक है, आपका एजुकेशन जरूरी नहीं है, आप उसके बिना भी कर सकते हो। तो माय मदर हैव लाइक बोल सकते हो कि पोटेंशियल की नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता कोई नहीं, लिटरेसी इसको आती है एजुकेशन के, या तो दो चीज़ें है, तो आप पढ़ाई करके कुछ जॉब करो या तो आपको लिटरेसी आनी चाहिए राइट। लिटरेसी वॉज माई कम्प्लीटेड कि मेरे को बोलना लिखना आता है, तो उसके बाद मेरा ऑप्शन था या तो मैं काम करूं या तो पढ़ूं, तो आई एंड माय फैमिली चोज दिस। इसके पीछे बहुत बैक स्टोरी था जो मैं पॉडकास्ट पे नहीं बोल सकता ऑफ कोर्स, बट सिंपली वे में बोल सकता हूं कि मैंने फिर यू चोज द राइट पाथ। हाँ ये था कि एक साल के लिए कोई फेल हो गया था, तो एक साल तो यही चला कि मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो एक साल का तो लड़ाई घर में यही चली कि मैं रिपीट नहीं करने वाला ठीक है, मैं 9th में दोबारा नहीं करूँ जाऊँगा मैं। तो उस टाइम में मैं साथ में काम भी कर रहा था, तो फिर काम के अंदर उसके बाद मैंने YouTube भी स्टॉप कर दिया था, इवेंट्स वाला भी YouTube बंद कर रहा था, इवेंट्स रुकी गए ऑब्वियसली, एंड मैंने ओलेक्स वाला काम था वो भी स्टॉप कर दिया था मैंने ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा नेटवर्क तो मेरा मैं ऑनेस्टली बताऊँ नेटवर्क इज स्टिल ग्रेट, जो मेरा उस टाइम का YouTube वाला जो बना था, तो एवरी वन मैं सिंगल गाय मैं जिसको जानता हूँ उसमें बोलता है 100 में से 90% पीपल डूइंग एक्सट्रीमली गुड इन देयर लाइफ, और सेम एज के थे हम सारे। तो उसमें से किसी ने मेरे को बताया कि
एफिलिएट मार्केटिंग का बताया मेरे को, एंड आर्टिकल्स का बताया कि आर्टिकल्स रैंक करके उस पर डाल के एडसेंस का। यहाँ पर हम एक्चुअली में जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो अभी चल रही है उसके बारे में, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात करें क्लिक बैंक वाली अमेज़न एफिलिएट, हम उनके बात कर रहे हैं और कोई एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऑनेस्टली हमारे पिछले बार इस पे बात भी हुई थी, कन्वर्सेशन भी हुई थी कि किस टाइप की एफिलिएट मार्केटिंग भी चल रही है। दूसरी बोल रहे थे मैं इस पे था तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि यार ये कब से होने लग गया, क्योंकि हम लोग नहीं लाइक ऑफ कोर्स मैं इनटू हुआ था, मुझे पता चला था इस इंडस्ट्री के बारे में कि ये इस तरीके से भी एफिलिएट मार्केटिंग का नाम देकर चलाना स्टार्ट कर दिया है, बट एक्चुअल वही है जो मुझे भी खुद को पता है। तो उस दिन हम लोगों की जब बात हुई थी तो मुझे याद है। हाँ ठीक है, फिर आपने एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट करा तो उसको हमने ट्राई करा, नॉट सक्सेसफुल, तो काफी सारी चीजें ट्राई करी थी, वेबसाइट बिल्ड करी थी जिसका नाम टेक आर्टिकल्स डालते थे जो भी चल रहा है, तो उसको रैंक कराने, एसईओ करना, ब्लॉगिंग एंड ऑल, ब्लॉगिंग करेक्ट एग्जैक्ट वर्ड ब्लॉगिंग, तो उसमें एडसेंस रेवेन्यू वो भी था कि उसमें आ रहा था अमाउंट, बट इट्स लाइक ओके इट्स नॉट गुड, ठीक है, मतलब मेरे को उस टाइम पे और ज्यादा चाहिए था अपने प्रीवियस बिजनेस से, ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए होगा, और वो बहुत स्लो लेंथी प्रोसेस था। हाँ नो डाउट, ठीक है, तो मेरे को ये चीज में कराने में टाइम लगता है, बिल्कुल, अगर मैं लुक बैक करूँ तो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि मैं किसी भी काम को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया, जो कि एक गुड थिंग भी बोल सकते हैं एंड बैड थिंग, दोनों का अपना आउटलुक है उसका, तो उसको वो नहीं क्या चला, उसमें टाइम था तो उसको स्लो डाउन करा। उसके बाद फिर एप्स वगैरह पे मैंने बिल्डिंग का देखा कि एप्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो हाँ तो एप्स का बिल्ड करने का देखा मैंने कि एप्स, पहले ये देखा मैंने उस टाइम तक मेरे को इतना माइंड में आ गया था कि इनकम सोर्स इज इम्पॉर्टेंट, उसमें कैश फ्लो होना चाहिए, फिर बिजनेस बाद में करेगा। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जब भी हम बिजनेस कर रहे होते हैं या कोई भी चीज कर रहे होते हैं, कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो इनिशियल स्टार्टिंग से आना चाहिए, लॉन्ग टर्म वाला इट्स टोटली डिपेंड कि आपकी सिचुएशन क्या है, कि आप पैसा आपको इंस्टेंट चाहिए या आपको थोड़े टाइम बाद भी आएगा चलेगा, बनाएगा भी वो और बिगाड़ेगा भी वो, अगर देखा जाए। बिल्कुल, सिचुएशन मैटर करती है आपको क्या अभी प्रेफर्ड है। तो उस टाइम पे मैंने एप्स का देखा कि ठीक है भाई, एप्स बना के उनपे एड्स होती है, उनसे बड़ी सारी एड्स डालेंगे हम तो पैसे बनेंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो मैंने आपका देखा यार, ऐप तो यार बड़ी डिफिकल्ट है बनानी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे तो देख ही ली थी कि कैसे क्या करते हैं, तो इसमें थोड़ा शीडी काम था बट ऑल राइट, ठीक है। हाँ तो उसके अंदर क्या था कि आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, नॉर्मल जैसे वॉलपेपर वगैरह वाली, ठीक है, तो वॉलपेपर वाली आप ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें मैंने बेसिक एडिटिंग वगैरह सीख ली थी, आप नेम चेंज कर सकते हो बेसिक वगैरह। तो उसके अंदर क्या होता है, और मेरे को ढंग से बहुत अच्छे से याद नहीं, बट ये होता है कि कोई कोड होता है आपका एडसेंस का, कि गूगल एडसेंस का कोड होता है, आप ऐप में डालते हो तो उस ऐप से आपकी एप्लीकेशन में ऐड जाएगी आपके एडसेंस वाली, राइट, ठीक है। तो वो कोड लेके मैंने एडिट करके उस बंदे का अपना लिंक डाल दिया और सेव करके इंस्टॉल करके अपने पास रख ली, मैंने सेल्फ डाउनलोडेड थी वो, किसी और के पास नहीं थी लिंक पे। तो उसके बाद मैंने क्या करा, वीपीएन वगैरह प्रॉक्सीज वगैरह लगा के फोन चेंज करके मैं खोल के खुद ही। और आप ये कौन सी एज में कर रहे हो? ये मैं 15 साल का हूंगा शायद, 14 या 15 का, 15 साल की उम्र में आप ये जुगाड़ और ये सारी चीजें लगा रहे हो एक्चुअली। मैं याद आ गया मेरे को 15 पे, हां मैं, लोग कहते हैं कि 15 साल की उम्र में हां भाई क्रिकेट खेलने चल रहा है, क्रिकेट खेलने चल रहा है, ये बिल्कुल मोमोज खाने चल रहा है, you are doing what, कि आप अगर ये सॉल्यूशन नहीं है तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ, जो आपने क्रिकेट वाली बात बोली, आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं जब गफार फोन खरीदने जाता था ना, तो उस टाइम पे समर वेकेशन चल रही थी, तो समर वेकेशन में आपको पता है कि पूरे दिन क्रिकेट ही खेल रहे हैं, पूरे दिन क्रिकेट खेल रहे हैं, स्विमिंग जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं चल रहा है। तो इसमें क्या होता था, मैं गफार जाता था फोन खरीदने और मेरे जो साथ के थे वो मेरे सामने खेल रहे होते थे, तो वही था कि नॉस्टैल्जिया आ गया मेरे को। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करी, वीपीएन वगैरह करके मैं क्लिक करे जा रहा हूँ, क्लिक करे जा रहा हूँ, मैंने देखा यार $100 दिन के $100 दिन का बना। फिर घर पे कार्ड आया, गूगल का कार्ड आया था, आपको कोड वगैरह डालना होता है ना, वो सारी चीज करी, ठीक है। तो ये करके फिर बैन हो गया, कि उनको पता चल गया कि किसी और का नहीं था, तो मेरे कि आप खुद से क्लिक कर रहे हो, तो फेसबुक गूगल पे एल्गोरिथम है, यू आर डूइंग सेल्फ, हां सेल्फ कर रहे हो, बार-बार खुद कर रहे हो। तो उसके बाद मैंने वो बैन हो गया मेरा, और वही मेरा कनेक्टेड था मेरे YouTube से, वही एडसेंस वाला, ठीक है। तो वो दोनों, उधर का भी पैसा रुका, यहाँ का भी, मेरा एक इनकम स्ट्रीम बिल्कुल स्टॉप हुई। उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी के नाम पे भी मैंने बना दिया एडसेंस, पापा के नाम पे, बहन के भी, और दोस्तों के नाम पे, जितने थे सारे सबको पकड़ लिया मैंने, पकड़ लो, ठीक है। तो उनसे गूगल अकाउंट्स लेके, उनकी वेरिफिकेशन घर का लेके, कि तेरे को मैं कुछ खिला दूंगा शाम को, तो मेरे को बस ये दे दे,
तो ऐसे करके। तो उसके बाद मैंने और टेक्निक्स भी देखी इसमें कि कैसे अवॉइड कर सकते हैं। उसके अंदर ना आपका ना एडवर्टाइजिंग आईडी होती है, और ये ना रियल रेडमी के फ़ोन थे उस टाइम पे, रेडमी नोट 3 समथिंग करके। तो उसके अंदर ना आपके एडवर्टाइजिंग आईडी होती है आपके फ़ोन के अंदर, ओके, सेटिंग्स के अंदर जाके निकलती है, मेरे को याद नहीं ढंग से। तो आईडी को ना आप चेंज कर सकते हो, ये रीसेट कर सकते हो। तो उसमें आईडी में क्या होता था, आपका ना डिजिट एडवर्टाइजिंग आईडी चेंज होती थी। तो उसमें पूरे दिन का क्या होता था, वीपीएन लगा के, उसके बाद डबल वीपीएन, फिर प्रॉक्सी लगा के, और वो भी सुनो VPN में इंडियन वाला नहीं यूज करना, US वाला, क्योंकि CPM हाई होते हैं पर क्लिक के, ज्यादा पैसा आएगा, मिलेंगे $1-$2 मिलेंगे पर क्लिक के। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे दिन का ये काम था, फोन लेके ऐप खोल, पहले VPN ऑन करने हैं, प्रॉक्सी लगानी है, प्रॉक्सी लगानी है, आईडी रीस्टार्ट करनी है, क्लिक करना है, जाना है, स्क्रोल करना है 10-15 सेकेंड, बैक करके ऐप क्लोज, VPN वगैरह क्लोज, उसके बाद फिर दोबारा ऑन करनी है, फिर आईडी रिस्टार्ट करनी है, फिर एप्लीकेशन को खोलनी है। तो ये करना था, तो आई वाज अर्निंग वेरी गुड, ठीक है। और मेरे बैकअप्स में भी आईडीज थी, ठीक है। तो मेरा ये रहता था उस टाइम पे कि आपने $500 एक आईडी पे कर लिया ना बिना बैन के, तो चुप होके बैठ जाओ। जैसे मेरे एग्जांपल के लिए एक हफ्ते के अंदर मैंने $500 कर लिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं और नहीं करूंगा उस पर क्लिक, कि $500 भी चले जाएगा, क्योंकि इनफ है, लालच नहीं, कच्चा लालच नहीं, हाँ, कि गूगल ब्लॉक कर देगा उसको। तो $500 एक पे करे, फिर दूसरी आईडी ली उस पर 500 करे, अगर उससे पहले बैन होगी तो फेंक दी, मतलब अगर 500 बन गए तो चुपचाप लेके चल रहा है भाई। हाँ, तो इस तरीके से था। उसके बाद फिर मेरे पैसे आए, उसके बाद फिर मैंने बाइक, उस टाइम पे मेरे को पता गालियां पड़ेगी बट मगर फिर मैंने बाइक ली थी अपने उन पैसों से, आई वॉज अर्निंग गुड। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से सब कुछ बढ़िया चल रहा, सारे अकाउंट धम 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 करके क्लोज हो गए सारे। तो उस टाइम पे अब ना खाली बैठ के क्लिक करने की आदत पड़ गई थी, पैसा आ रहा था तो मैंने क्या कर सकते हैं इसके बाद। तो उसके बाद बोल सकते हो 6 months के लिए आई वॉज नथिंग, ठीक है, ओके। ऐसी ब्रेक आया, हाँ ब्रेक आया उसके बाद। उसके बाद फिर एक मेरे एक फ्रेंड था प्रशांत करके, तो वो यूट्यूब पे भी साथ था, वो सेम एज का बंदा है, एंड उसने फिर ब्लॉगिंग भी मेरे साथ ही करी, मतलब ब्लॉगिंग भी उसने करी थी, मैंने भी करी थी। तो उस टाइम पे वो भी पॉज लेके बैठा हुआ था, ठीक है, वो SMM कर रहा था, उसने काफ़ी अच्छा एंड ही अर्न वेरी गुड मनी SMM करके, सेम एज 16 की एज होगी उस टाइम पे हमारी। तो उसकी मेरी कुछ बात हुई, तो हम काफ़ी टाइम से पॉज आ गया था, उसके बाद मेरी बात हुई कि मैं भी पॉज लेके बैठा हूँ, वो भी लेके बैठा हुआ है काम में। तो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, काफ़ी सारी चीज़ें। तो फर्स्ट हम सबसे पहले आए कि हम ना फर्स्ट कॉपी करोल बाग से खरीद के लाएंगे, और इंस्टाग्राम पेज वगैरह बना के या स्टोर वगैरह बना के सेल करेंगे, थ्रिफ्ट स्टोर टाइप, हाँ एक तरीके से। तो हमारा प्लान था बट हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं करा। उसके बाद हम और काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे थे, उसके बाद हमें पता चला POD के बारे में, प्रिंट ऑन डिमांड इंटरनेशनल करके, और एक वो है क्या बोल सकते कोच है जिसकी हमने वीडियो देखी थी, जो आज भी कोर्स सेल करता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा उसका मेरा सरनेम सेम है बस आई समझ गया मैं, गॉट इट, ठीक है। मैंने उसका लिया, ठीक है, दोनों ने लिया, हमने एक ही लिया, और हमने बोला 50-50 कर लेंगे। तो हम उस टाइम 16 साल के थे दोनों, और हमने प्लान करा, हम दोनों ने अपने अपने बिजनेस से पैसा कमाया, तो कि हमने 1-1 लाख रुपए साइड कर दिए थे कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो हमने पूरा कोर्स देखा, हमने टी शर्ट्स बना ली, डिजाइन बना लिया। और मेरे को अभी भी याद है मदर्स डे आने वाला था, मई में मदर्स डे आने वाला था, और हम 2 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कि हम वेबसाइट वगैरह बना के शॉपिफाई पे, पेपाल वगैरह सारी चीज़ें करके हम करेंगे स्टार्ट करेंगे 2 महीने पहले से। तो क्या हुआ, हमने ऑफिस भी ले लिया, को वर्किंग स्पेस, ठीक है, 16 की उम्र में को वर्किंग स्पेस लेके काम कर रहे हो, 91 स्प्रिंग रोड था हमारा फर्स्ट ऑफिस, मोर में हम जाते थे, हम बैठ के वहाँ पर काम करते थे। तो हमने करा, तो उसमें हमने पूरा रेडी कर लिया, वेबसाइट कर ली, हमने क्रिएटिव सीख लिया पूरा, हमने कोर्स खोल के देख लिया कि क्या क्या बेस्ट हम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उसको मैं टोटल गाली नहीं दूंगा उस बंदे को, बट अगर मैं अभी जिस पोजीशन पे हूँ तो उसने नॉलेज ढंग की नहीं दी थी, ट्राई एंड एरर करके। बट जो हमने मिस्टेक करी वो क्या थी कि प्रशांत भाई अगर आप देख रहे हो तो आपने करी थी पर्टिकुलरली तो हमने वेबसाइट बनाई, पहले तो हम दोनों बेवकूफ, हमने क्या करा, फर्स्ट डे का ही बजट, हमने 5 प्रोडक्ट उठाए, 5ों का बजट हमने पूरा 1 लाख रुपए पूरे एक ही रात में, हम 1,20,000 पूरे रात हमने एक ही डे का बजट लगा दिया कि हम इसको एक दिन में कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो हम रात को हम पूरा रेडी करके गए, उसके बाद हम घर चले गए कि कल तो बस पैसा ही पैसा होगा
तो हमने करा और हम सुबह देख रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में आए 11 के अराउंड ऑफिस, हम देख रहे हैं सेल ही नहीं आया, कचिंग ही नहीं बजा यार, कचिंग ही नहीं आया। हम जो शॉपिफाई जो शॉपिफाई काम करते हैं वो समझ पाएंगे कि जैसी सेल आती है तो शॉपिफाई की साउंड आती है, कचिंग आती है नोटिफिकेशन पर ऑर्डर की। हम कंफ्यूज हो गए यार, पूरे 1 लाख क्या हुआ। तो आए हम ऑफिस में, लैपटॉप खोला, हम देख रहे हैं एड स्पेंड भी हुआ है यार, कि रीच भी गई है, मगर एक सिंगल सेल भी नहीं आई, एक भी नहीं आई। ठीक है, तो प्रशांत भाई ने क्या करा था, उन्होंने पेपाल कनेक्ट नहीं करा था वेबसाइट से। शिट भाई, ठीक है, तो बस हमारे पैसे हो गए, फिर हम ये खत्म बजट वगैरह। तो हमारे पास, मेरे को अभी भी याद है, उसके बाद हमें मैक्स टू मैक्स ना 4000 समथिंग दोनों के बाद 4-5000 के आसपास बचे हुए थे। तो हमको ना उसके बाद इंडियन ई कॉमर्स के बारे में पता चला कि इंडियन यूएस में भी होता, तो इसको इंडिया में भी कर सकते हैं। तो एक वेबिनार करके था, मेरे को ना अभी याद नहीं आ रहा, वो शायद नोएडा के अंदर था। तो ऐसी सेमिनार कह सकते हैं, नॉट सेमिनार नहीं था, अच्छा कि बोल सकते 10-20 लोग बैठे हुए थे और उसका चार्जेस 1000 आके 2 दिन में आपको ई कॉमर्स कैसे वर्क करता है वो सिखाया गया, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, और वो जो बंदा था वो भी बहुत एक्सट्रीम, कोई फेमस नहीं था या कोच नहीं था, वो नॉर्मली उस आके नॉलेज दे रहा था, वो खुद बिजनेसमैन था। तो किसी और ने उसको इन्वाइट करा हुआ था, तो हमने बोला हम इस पे चलते हैं और हम देखते हैं। तो हमने उसके बारे में देखा इंडियन ई कॉमर्स, हमने बोला यार ये तो ठीक चीज़ है, इसको करा जा सकता है। उसके बाद फिर हमने बहुत सारी चीज़ें करी कि हमने वेबसाइट वही शॉपिफाई पे बनाई। सबसे पहले तो बिगेस्ट प्रॉब्लम उस टाइम पे ये थी, उस टाइम पे शिपरॉकेट, निंबस पोस्ट या एग्रीगेटर्स नहीं थे उस टाइम मार्केट के अंदर, लॉजिस्टिक्स नहीं थी, आपको डायरेक्ट ही करना पड़ता। तो डायरेक्ट में ब्लू डार्ट वगैरह कन्विंस करना, इट्स एक्सट्रीमली बहुत बड़ा टास्क था। तो हमने जैसे जैसे करके डिलीवरी से पार्टनरशिप कर ली थी कि डिलीवरी से हम शिपमेंट्स करेंगे। हमने रेडी करा सारी चीज़ें ऑन पॉइंट पे करी और हमने एड्स चलाई। 4000-5000 का हमारा टोटल बजट था, उससे हमने पूरा एडवर्टीजमेंट करा और हमको फर्स्ट प्रोडक्ट में हमको सेल आनी स्टार्ट हो गई थी प्रॉफिटेबली। ठीक है, तो वो फिर एक स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा स्टार्ट करने का। एक स्टार्ट हमने 1-2 महीने के साथ करा, फिर हम दोनों के चीजें हुई तो हम दोनों अलग अलग हो गए। तो उसके बाद ई कॉमर्स का वो टाइम है, फिर अभी टाइम है, स्टिल आई एम डूइंग द सेम थिंग। 2019 के एंड मंथ्स में मैंने स्टार्ट करा था ये, कि अप्रैल के बोल सकते हैं, मई के अंदर तो क्या बोलते हैं उसे मदर्स डे मई में हमारा हो गया, ठीक है। फिर 2-3 महीने इसको करते करते हमें लग गए, तो उसके बाद हमारी पार्टनरशिप हटी। तो मैंने जो फुल टाइम स्टार्ट करा कि अब यही करना है, अब कोई चांस नहीं है, तो मैंने नवंबर में स्टार्ट करा था, नवंबर 2019 के अंदर। हाँ, तो आपको अप्रॉक्स करते हुए हो गए हैं 4.5 साल, 5 साल अप्रॉक्स ले सकते हैं हम। हाँ, 5 साल ले सकते हो। उसके बाद 2-3 महीने मैंने करा एंड मेक वेरी गुड मनी, मतलब बहुत अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मेरा ये टास्क था उस टाइम पे कि जो भी मेरे पास अमाउंट था, मैंने उस टाइम 7000 से स्टार्ट करा था ई कॉमर्स का, कि 7000 लगाने हैं, फिर 15 दिन वेट करना है रेमिटेंस आने का। उस टाइम पे नेक्स्ट डे नहीं मिलती थी सीओडी में, बता दूँ तो 15 डेज का पेमेंट आती थी, उसके बाद उनको दोबारा लगाना, फिर दोबारा लगाना, ऐसे करके स्टार्ट करा। तो लोग जो पूछते हैं ना कि ई कॉमर्स कितने में स्टार्ट होता है, तो एक अग्रेसिव नेचर आपके बिजनेस में मतलब होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो एक स्मॉल अमाउंट भी इनफ होता है सब कुछ स्टार्ट करने के लिए। करेक्ट, 7000 से भाई ने स्टार्ट किया था और 5 साल हो गए हैं करते हुए। एंड ऑफ कोर्स अगर 5 साल दिए हैं तो कमाया तो अच्छा खासा होगा। गुड भाई, सब्जेक्टिव बाय प्रोडक्ट। तो इसके अंदर फिर क्या हुआ, 90 तो कंपाउंडिंग थी पूरी, जितना आया सारा लगा दिया इस तरीके से था। हाँ, तो मेरे को अभी भी याद है फ्राइडे पेमेंट आती थी, फ्राइडे का मेरा सेट होता था, फ्राइडे पेमेंट आती थी, तो उसमें से मैं स्विगी से कुछ मंगवाता था, ठीक है, और मूवी देखी और मेरा यही चल मोड होता था और कुछ नहीं होता था। हाँ, ठीक है, उसके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं था, सारे पैसे री इन्वेस्ट। तो ये करते करते फिर बोल सकते हो कि 2 डिजिट एल के अंदर मेरा बजट आ गया था, रिपीट करते हुए। एंड मार्च के अंदर एकदम से लग गया कोविड। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि आप सामान स्टॉक सारा ना टेस्टिंग करिए, टेस्टिंग में प्रोडक्ट अच्छा गया तो आप स्टॉक मंगवा के एक साथ ही रख ले। तो ये भी सारे मिस्टेक्स हैं जो मैंने सीखी करते करते, कि मेरा बजट एग्जांपल 2000-3000 ऑर्डर भेजने का, तो टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने 2-3000 ऑर्डर मंगवा लिए, एक साथ मंगा लिया स्टॉक अप कर लिया। उसके बाद क्या करा मैंने, 1000 ऑर्डर भेज भी दिए शिप आउट करके, और एकदम से क्या हुआ एडवर्टीजमेंट्स वगैरह सब कुछ करके, शिपिंग वगैरह में पैनल में पैसे डाल के, क्या हुआ एकदम से लॉकडाउन लगा, तो जितना भी प्रोडक्ट्स थे ना डिस्पैच के अंदर वो वहीं जाके रुक गए, वेयर हाउसेस के अंदर। हाँ, वेयर हाउसेस के अंदर। तो बोल सकते हो कि कोविड टाइम पे मेरे पास अमाउंट नहीं था, ठीक है, ज़्यादा।
और सारा स्टॉक वगैरह के ना फंसे हुए थे पैसे, और जो प्रोडक्ट है ना वो बोल सकते कोविड के पहले ही चल सकता, कोविड के बाद नहीं चल सकता था वो, ऐसी ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट था कि मैं उसको रिव्यू नहीं कर सकता। अगर ऑनेस्टली ये होता है ई कॉमर्स में, ड्रॉप शिपिंग में, कि आपका एक प्रोडक्ट की ना एक लाइफ होती है, करेक्ट, और उस लाइफ के हिसाब से ही आप जितनी अर्निंग उससे निकाल सकते हो निकाल सकते हो, उसके बाद यू हैव टू स्विच। इसमें सेपरेट आता है इफ यू आर मेकिंग अ ब्रांड, तो उसके अलावा तो आपका डाई आउट कर जाएगा प्रोडक्ट। अग्री, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट उसके बाद कोविड के बाद नहीं चला, तो मेरे पास जो पैसे बचे हुए थे उन स्टॉक निकालने का ट्राई करा मैंने, नहीं, शिपिंग का पैसा लग गया, आरटीओ का लग गया, एड्स का लग गया, और स्टॉक पड़ा हुआ है, और डिलीवरी 0% 1% आई थी कोविड खुलने के बाद, 1% डिलीवरी, कोई आउटकम नहीं था उसका। उसके बाद फिर मेरे ख्याल से जून के अंदर मेरे ख्याल से एक हाफ ओपन हुआ था, क्या बोल सकते हैं, मतलब मिड में उन लोगों ने थोड़ा ओपन कर दिया था, शिपिंग वगैरह ओपन कर दी उन्होंने, शिपिंग प्रिकॉशंस के साथ उन्होंने टीयर बना के, जोन्स बना के उन्होंने शिपिंग अलाउड कर दी थी कि जोन रेड या ऐसे करके इनमें नहीं जाएगा, जहां पे केसेस कम है वहां पे शिपमेंट जा सकती है, जहां ज्यादा है वहां नहीं है। तो उसके बाद फिर वो उस टाइम पे मैंने 50,000 से स्टार्ट करा, थे मेरे पास 1,00,000 के अराउंड, बट मैंने बैकअप में रखा था 50,000, फिर मैंने रीस्टार्ट करा था। तो ये है, उसके बाद फिर करते अभी रिवील करना चाहोगे आपके कितने ई-कॉमर्स स्टोर्स चल रहे हैं अभी करेंटली चल रहे हैं, लाइक ड्रॉप शिपिंग या ई-कॉमर्स वाले, कि दोनों में डिफरेंस है। हाँ, ऑफ कोर्स इसको भी हम बात करेंगे फॉर श्योर, बहुत लोगों के डाउट होते हैं ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस होता है, और ड्रॉप शिपिंग क्यों अलग है, उसमें कैसे प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, ई कॉमर्स में कैसे प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, लॉन्ग टर्म क्या किसका क्या सोच सकते हैं, उसके रिगार्डिंग एक डिस्कशन करेंगे। बट अभी जो मैं पूछ रहा हूँ, लाइक लमसम कितने स्टोर्स चल रहे हैं, मतलब अगर मैं ड्रॉप शिपिंग और उसको काउंट करूँ, जो रनिंग प्रोडक्ट्स वाले हैं मेरे टेस्टिंग स्टोर्स अलग रहते हैं, जो 7 ऑनगोइंग है जिसके अंदर ऑर्डर्स डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं। तो एक नंबर बताओगे लास्ट मंथ कितने टोटल ऑर्डर्स करे अंदाजा लगा लेंगे लोग कि, मतलब मैं बोल रहा हूँ लम सम बोल सकते हो कि मैंने फेब के अंदर 50,000 अराउंड ऑर्डर्स हमने शिप आउट करे, डिस्पैच करे 50,000। हाँ, तो मैं डे का 1600-1700 नॉट बिग नंबर, इतने हमने डिस्पैच करे, नॉट बिग नंबर, अगर पर डे के हिसाब से देखो तो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है। बट आपको यार 5 साल हो गए इस जर्नी में पूरा थ्रू आउट करते हुए, तो आज आपको ये नंबर बिग नहीं लग रहा, बट जिन लोगों ने अभी चीजें स्टार्ट करी उनके लिए बड़ा नंबर है ऑनेस्टली। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इसको स्मॉल नंबर बोल रहे हो, तो आगे क्या आपने टारगेट्स रखे हुए हैं, गोल्स बनाए हुए हैं, तो उस पर भी बात करेंगे फॉर श्योर। मेरा गोल सिस्टम देखो इस तरीके से होगा ना, आई नो लाइक पोटेंशियल ऑफ द मार्केट, ठीक है, और लोग कितने नंबर्स हो सकते हो, कितने बड़े नंबर पीपल आर अचीविंग, लाइक मेरा नेटवर्क बोल सकते हो आप, कि जो मेरा नेटवर्क है उसी के अंदर आई नो पीपल हु आर डूइंग 10,000 ऑर्डर्स अ डे, इस तरीके से कर रहे हैं मैं, और बहुत अच्छे से पर्सनली मैं जानता हूँ, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ 1600 इज अ बिग नंबर ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब अगर हम थोड़ा सा लाइक कैलकुलेट लोग अपने आप करेंगे, हम नहीं कर देंगे, कि ई कॉमर्स में प्रॉफिट मार्जिन्स डिफरेंट होते हैं, आई नो ड्रॉप शिपिंग में बहुत डिफरेंस होते हैं, एक एवरेज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमने क्या लाइक ऑफ कोर्स अगर देखो कोई भी पर्सन ई-कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग समझदारी से कर रहा है, बहुत सही डिस्क्लेमर दिया जो समझदारी से कर रहा है, बिल्कुल डिफरेंस है। जैसे तो मैं समझदारी से मैंने नहीं करा, फर्स्ट टाइम मैंने लॉस करा था ऑफ कोर्स, है ना, तो समझदारी आपको पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ और मार्केट कैसे चलती है, हाउ टू कीप द प्रॉफिट्स, मार्जिन कैसे रखने हैं, एक्सपेंसेस कैसे अपने मैनेज करके रखने हैं। उसके बाद आप बोल सकते हो कि जिसको आइडिया है ना ई कॉमर्स मार्केट का, ड्रॉप में ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग स्पेसिफिकली बोलो, नॉट ब्रांड, तो उसके ना 20% प्रॉफिट इट्स वेरी लाइक बोल सकते हैं एवरेज, लाइक 20% तो आता ही आता है अगर आपने सारी चीजें ऑन पॉइंट पे करी है, मतलब 100 में से आप 20 रुपए बनाते हो। हाँ, मैं 100 की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऊपर के जाते हैं। हाँ, ठीक है, नाइस। एंड अगर हम लोग लाइक थोड़ा सा और ब्रीफ करें, अब हम लोग थोड़ा सा ऑडियंस को समझाते हैं कि लाइक ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग में डिफरेंस क्या होता है, तो आपके टर्म्स में आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, एक बार बताओ। ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स करने एक बहुत 2-3 चीज़ों का डिफरेंस है, बाकी सारा मेजरली सेम है। ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल आप यू आर सेलिंग समथिंग ऑनलाइन, ठीक है, ई कॉमर्स तो क्लियर ही हो गया, ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी सेम होता है। ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि यू हैव अ वेयर हाउस,
या आपने वेयर हाउस किसी और थर्ड पार्टी पर्सन को वेयर हाउस मैनेज करने के लिए आपने दे रखा है, प्रोवाइड दे रखा है, जैसे कि बहुत सारे वेयर हाउस फैसिलिटीज होती है कि आप उनके वहाँ पे अपना प्रोडक्ट रखवा दो, लॉजिस्टिक भी ये आपको प्रोवाइड करते हैं, कि आप वी विल चार्ज 10 रुपीज या 15 रुपीज फॉर पर डिस्पैच और उनके अलग चार्जेस रहते हैं। तो आपने क्या करा, प्रोडक्ट बाय करके स्टोर करा, स्टॉकिंग रखा आपने, इन्वेंटरी रखी, तो उसको ई कॉमर्स बोलेंगे, ठीक है, कि आपने सामान खरीदा 10,000 पीस 20,000 पीस इंपोर्ट कराया, आपने स्टॉक करके अपने पास रखा हुआ है एंड आपको डिस्पैच कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या है कि आप प्रोडक्ट नहीं खरीदते, रेस्ट इज सेम, कि आपको वेबसाइट बिल्ड करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है उसकी, एक्सपेजर जो सारी चीजें रहती हैं, जो प्रोसेस है, हाँ, वो प्रोसेस सेम है, बस शिपिंग का हैंडल नहीं करता, शिपिंग कोई और हैंडल करता है एंड ही गिव्स देम गुड मार्जिन ऑन दैट, राइट, ठीक है। तो इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग का भी अपना अलग बेनिफिट है, ई कॉमर्स का भी अपना है। ड्रॉप शिपिंग का ये कि आपको पहले तो आपके हेडेक नहीं है, ठीक है, कहाँ रखे, क्या है आपका, सबसे बड़ी चीज जो मेरे को लगती है वो ये कि आपका ना मनी इन्वेस्टमेंट, जैसे एग्जांपल के लिए अब मेरे पास एक प्रोडक्ट का एग्जांपल, हमारे मंथली बजट्स निकलते हैं, मैंने बोला कि वी हैव बजट ऑफ 30 लाख मंथ का कि हमें एड्स चलानी है, ठीक है, और मेरा टोटल पूल ऑफ बजट था एग्जांपल के लिए 1 crore, ठीक है, 1 crore के अंदर हमें शिपिंग भी करनी है, प्रोडक्ट भी मंगवाना है, एड्स भी चलानी है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं। तो अब क्या है, 1 crore था, ठीक है, तो 1 crore को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिपेंडिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग, हो सकता है 1 किलो 2 किलो का प्रोडक्ट है तो शिपिंग कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, है ना, और एडवर्टाइज CPP आपका क्या आ रहा है, कॉस्ट पर परचेज, RTO सबसे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या, मैं 1 crore है ना, तो मेरे को माल नहीं खरीदना, ठीक है ना, मेरे को शिपिंग में पैसे लगाना है, तो मेरे पे पूरे 1 crore पे एडवर्टीजमेंट का है, तो मेरा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, 1 crore लगाए और मेरा रिटर्न कितना आ रहा है, तो मैं उसको देखूंगा, ठीक है। लोग बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग में डिलीवरी परसेंटेज कम आती है इंडिया के अंदर, हाँ आती है, डिफरेंस आता है, बट आप ये देखो ना, अगर आपकी मेरी एग्जाम्पल 50% ई कॉमर्स की डिलीवरी आ रही है और ड्रॉप शिपिंग में सेम प्रोडक्ट की मैंने चेक करा दोनों में करके 40% आ रही है, 10% कम है, मगर आप ये नहीं सोच रहे ना, आपने लगाए भी तो पैसों का डिफरेंस, अगर मैं 1 crore रुपए एड्स पे लगा के सिर्फ वो करूँ मैं, आप ऑर्डर कंपेरिजन कर लो, एक तो सरदर्दी नहीं है, सरदर्दी तो हटा ही दो, सरदर्दी का है ही नहीं, वो तो चीज सेकेंडरी हो गई, इन जनरल आपने 30 लाख रुपए एड्स के लगाए, अगर हम 100 रुपीज कॉस्ट पर परचेज से एवरेज लगा दे तो कितना है, 30,000 ऑर्डर्स हुए ना, 1 crore का करना 1 लाख ऑर्डर्स हुए, 10% काट दो, किस में ज्यादा पैसा बना, ऑफकोर्स कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आई स्टिल रिकमेंड की थोड़ा और इजी करते हैं न्यूबी के लिए, उन मैं कुछ कैटेगरीज दूंगा तो आप रिकमेंड करना, ठीक है, हमारे पास 10,000 का बजट है, हमें क्या करना चाहिए, ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग हमारे पास 1 लाख का बजट है, हमें ड्रॉप शिपिंग पे जाना चाहिए, ई कॉमर्स ठीक है। तो अब हम लोगों को ये समझ आया, इसके अंदर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये नहीं है कि ई कॉमर्स बोला तो ई कॉमर्स ही करना है, अब हो सकता है कोई प्रोडक्ट है आपको ड्रॉप शिपिंग के अंदर इजीली मिल रहा है और प्राइस भी काफी अच्छा मिल रहा है कि आप खुद खरीद के स्टॉक करोगे, तो आई विल एनी डे प्रेफर ड्रॉप शिपिंग, कि अगर प्रोडक्ट मेरे को स्टॉक नहीं करना पड़ रहा और मेरे को प्राइसिंग भी बहुत ओके पड़ रही है उसकी, तो मैं ड्रॉप शिप करता हूँ, अगर ये है कि मगर उनके भी नेगेटिव बेनिफिट एंड नेगेटिव है, तो आपको देखना है कि अगर आपके 1 लाख का बजट है पर आपको सेम विनर प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग के अंदर मिल गया तो ड्रॉप शिपिंग करो, बट ई कॉमर्स का क्या ना, ई कॉमर्स के अंदर जब सेल्फ स्टॉक करते हो तो आपके पास मार्केट पावर होती है, मार्केट पावर इन द सेंस ड्रॉप शिपिंग का आप भी चला सकते हो, मैं भी चला सकता हूँ, ये भी चला सकते हो, वो भी चला सकते हो, कोई एंट्री बैरियर नहीं है उसके अंदर, जैसे कि हमने सोचा 10,000 में स्टार्ट हो रहा है तो एंट्री बैरियर तो है ही नहीं, है ही नहीं कोई, तो उसमें क्या होगा, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होगा, ई कॉमर्स के ना कॉम्पिटिशन आप अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हो, कंपटीशन उसको स्टार्ट होने में कंपटीशन उसको बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए, बहुत हेक्टिक चाहिए, जो कि हर कोई नहीं लेता, तो पहली बात तो आपका प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, जो प्रोडक्ट 2 महीने ड्रॉप शिपिंग चलना होगा वो हम 6-6 महीने 1-1 साल चला देते हैं, चलाएंगे स्टेबली, ठीक है, पहली चीज तो ये, सेकंड ये हो गया कंपटीशन, ये मार्जिन आपके हाथ में कंट्रोल है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या है, 700 रुपए का प्रोडक्ट किसी ने लिस्ट करा, आपके कॉम्पिटिटर ने 600 कर दिया, या तो कॉस्ट पर चीज हाई हो जाएगा या तो RTO बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसमें नहीं हो सकता ना, कि या तो मैंने प्रोडक्ट सप्लायर से खरीदा हुआ है, सप्लायर का ये है कि तेरे पर कितना माल है मेरे को बता, मैं बोल रहा हूँ मेरे को 10,000 पीस चाहिए, कि मैं भाई साहब आपको 5,000 ही भेज पाऊंगा, तो उस पर नहीं है ना, वरना 10,000 भेज देता मैं मार्केट का स्टॉक ही कंप्लीट खरीद कर रहा हूँ, है ना, मार्केट ही कैप्चर कर ली, मार्केट या तो आप क्या करोगे, बिल्कुल ठीक है, या तो इम्पोर्ट हो रहा है तो वो तो आउट ऑफ द क्लास ही है, वो तो हटाई दो, क्या कॉम्पिटिशन करेगा, कोई ब्रांड बिल्डिंग होगी वो तो, सेकेंड ये होता है कि मेरे को लगता है कि कोई
मार्केट कैप्चर भी कर सकता अगर स्टॉक बहुत इजीली अवेलेबल है तो मैं क्या करता हूँ लाइक जैसे कि कम्युनिटी की बात करी तो मैं अपने कम्युनिटी के अंदर मैं प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कभी कभी। ग्रेट। हाँ, इस पर भी बात करेंगे। लाइक आई नो आपकी कम्युनिटी है जहाँ पर आप अच्छे से सबको पर्सन को ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स किस तरीके से एक्चुअली में करते हैं। एंड एक चीज जो मेजर मुझे पर्सनली आपकी अच्छी लगती है कि एक हैंड सपोर्ट बहुत अच्छा है। किसी भी पर्सन को लाइक अगर डाउट है ना तो एक चैनल आपने क्रिएट करा हुआ, एक सिस्टम्स क्रिएट करे हुए हैं कि सामने वाले पर्सन की जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत इजी टू गो में सॉल्व हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोर्स दे दिया और भाई बाय बाय टाटा, वो वाला गेम नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन सिस्टम्स पर मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया था जब मैंने सुना था। एंड ऑफ कोर्स आई एम आल्सो क्रिएटिंग सम सिस्टम्स अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, बट मेरा पता क्या सबसे बेस्ट आपकी यूएसपी क्या लगी थी, कोई पर्सन अगर बिलीव कर कर आपसे कुछ ले रहा है ना तो उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो आप। 100% और वो आज की मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। राइट। क्योंकि यार देखो हर चौथी गली में एक पर्सन कोर्स क्रिएटर है, सॉरी टू से बट है, बिल्कुल भाई, हर चौथा बंदा कोर्स क्रिएट कर रहा है ना। मैं हर गली में है लेकिन एक्सपर्ट्स एक्चुअली में इंस्टीट्यूट चला रहे हैं अगर देखा जाए तो हम लोगों को उस लेवल पर सोचना है जो कि हम सोच रहे हैं। अब एक चीज और मैं बताऊंगा, लाइक कोर्स बहुत सारे लोग देखकर भी बना लेते हैं। आपका जो कोर्स है मैंने देखा, मैंने क्रिएट करके सेल करना स्टार्ट कर दिया, बहुत लोग करते हैं, मैं जानता भी हूँ कुछ लोगों को। ठीक है, बट जो एक्सपर्टीज होती है, आइडिया दिया है। नाइस नाइस। नहीं आइडिया नहीं है बिल्कुल, मैं बताता हूँ उसका डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप ये चीज करते हो ना आप बहुत बड़ी मार्केट लूज करते हो। पता है क्यों? क्योंकि आपका कोर्स हर टाइप का बंदा खरीदेगा और उसके अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। एंड हम लोग ना क्वेश्चंस के आंसर तभी दे पाते हैं जब हमारे पास उस चीज का एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है। तो जो एक्सपीरियंस बंदा कोर्स क्रिएट कर रहा है और जो कॉपी पेस्ट कर रहा है हाँ। तो उसकी कम्युनिटी और इस कम्युनिटी में ना बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क होगा। एंड उस फर्क को ना जब उसके मैं थोड़े से रिजल्ट्स भी पूछूंगा आपके कम्युनिटी लोगों के रिजल्ट से ही डिफाइन हो जाते हैं, है ना। करेक्ट, बिल्कुल सही। रिजल्ट्स बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। आपके कम्युनिटी के मैं जानना चाहूंगा कि नाम लेना चाहो नाम भी ले सकते हो। इनफैक्ट थोड़े से एक नंबर्स की एक कम्युनिटी मेंबर ने इतना क्रिएट किया, सेकंड ने इतना कुछ, मुझे लाइक थोड़ा सा ब्रीफ करो। ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, मेरे को फर्स्ट सेकंड का आइडिया नहीं किसने सबसे ज्यादा करे किसने कम करे। कि आई एम लाइक आप बोल सकते हो कि मैं गाइडेंस देता हूँ, मैं टोटल 100% फुल टाइम नहीं देता कि अच्छा आप क्या कर रहे हो। मेरा ऐसा नहीं रहता कि इसको इस तरीके से बेटर कर सकते हैं, यू डूइंग दिस रॉन्ग, तो मेरा इस तरीके से रहता है। ये भी बहुत अच्छा है, आप उनको एक स्पेस दे रहे हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हाँ, कि ट्राई एंड एरर बैक की हो सकता है ना कि जो मैंने नहीं सीखा वो सीख ले कोई गलती करके, और क्या पता हमें एक पॉइंटर मिल जाए क्योंकि आप सिखाने से भी सीखते हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो खुद नहीं जब तक करेगा उसको क्या पता चलेगा। मतलब मैं तो उसको एडवाइस दे ही दूंगा कि इस तरीके गलतियां मत कर और बेटर करने के लिए ये चीज है, बट वो अपना खुद भी तो एक रनवे बनाएगा कि ये चीज मेरे लिए शायद बेट के आपकी एड्स मेरे लिए बेटर नहीं चलती, ये आप बोल रहे हो उसको दूसरी चीज में अलग फील होता है। कि मैंने ये चीज नोटिस करी है, एवरीवन रन एड्स वेरी डिफरेंटली। राइट, आप बहुत अलग तरीके से करो, मैं अलग तरीके से करूंगा। बिल्कुल, बट इसके अंदर ये नहीं कि आप गलत हो या मैं सही हूँ, सबके तरीके होते हैं। एंड रिजल्ट आना चाहिए, एंड सिंपल है, रिजल्ट आना चाहिए। अब आप वो चलाओ, क्या बोलते हैं, लोकल लाइक चलाओ, आप कस्टम चलाओ, ठीक है, बेड कैप के ना चलाओ, कॉस्ट कैप में चलाओ, या आप ओपन टारगेटिंग कर दो। आजकल एडवांस प्लस कैंपेन वाला है फेसबुक का, प्री बिल्ड आता है फेसबुक से, आपको कुछ नहीं करना, जाके बना दो, रिजल्ट आना चाहिए। इतने भी अब हार्ड नहीं रहे हैं कि फेसबुक एड्स बनाना इज अ टास्क। तो इसके अंदर जो हम प्रोडक्ट्स वाली बात करें तो जो मार्केट के अंदर रहते हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई मेरे को कॉम्पिटिशन है, ठीक है, कि इजिली मार्केट में स्टॉक बहुत अच्छा है, ठीक है, और मेरे को पता है कि मार्केट के अंदर लोग ना इसको ना खराब कर देंगे अगर मार्केट में चला गया तो मैं क्या करता, प्राइस या जहाँ पे प्राइस वॉर होगी ना वहाँ खत्म है क्योंकि प्रॉफिट बनाने बैठे हैं। मैं प्राइस वॉर तेज से नहीं कर रहा, मैं गुज्जू भाई आपसे प्राइस वॉर नहीं कर रहा, आप कोई फायदा नहीं है, ठीक है, नहीं कर सकते। तो उसके अंदर क्या रहता है, मैं अपने कम्युनिटी को देते कि ये प्रोडक्ट है, ये इंटरेस्ट है, ये है, ये सप्लायर का नंबर है, चलाओ। अपने क्लाइंट्स, हमारे क्लाइंट्स भी रहते हैं कि बहुत सारे बोल सकते हो हमारे कोर्स देख के जो आए होते हैं वो कहते हैं यार मेरे को ना बिजनेस पसंद आया, इसमें मार्जिन्स भी अच्छे हैं, बट आई डोंट हैव द बेस्ट टाइम टू डू दिस ऑल दिस थिंग। तो उसको हम उनको क्या करते हैं कि
अब हमारे पास आ जाओ, माई टीम विल मैनेज एवरीथिंग, कि मेरी टीम तो एक्सपीरियंस है, दे नो ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हो आपकी। अगर कोई पर्सन लाइक दे हैव द कैपिटल एंड उनको कैपिटल के अलावा सेकंड उसमें वो फायर होनी चाहिए काम करने की, सिर्फ कैपिटल बेस पे नहीं करते कि आपने पैसा दे दिया, एक ट्रस्ट भी होना चाहिए। हम लाला जी नहीं लेते, हम एंटरप्रेन्योर्स लेते हैं अपने पास, डिफरेंस है। हाँ ग्रेट, तो वो आते हैं। अब क्या उनका हमारे क्लाइंट है, वो क्लाइंट हमारे क्या रहते हैं कि आप प्रोडक्ट्स ला के दो, हम प्रोडक्ट्स आपको ढूंढना सिखा दी हमने कि प्रोडक्ट कैसे ढूंढते, आप ला ला के दो, माई टीम विल मैनेज एवरीथिंग, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। मतलब ये प्रोसेस इस तरीके से बनाया हुआ है, हम आपको तरीके बता रहे हैं, तरीके अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम आती है हम है, ठीक है। और इसके अंदर क्या एग्जांपल के लिए जो प्रोडक्ट हमने खरीदा हो सबको मैंने दे दिया, तो मैंने बोला अगर मैं दे रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट 1000 का ही जाना चाहिए, 1000 से कम नहीं आना चाहिए, प्राइस वॉर खत्म कर रहे हो, तो हम मार्केट ही कैप्चर कर लिया, मार्केट में स्टॉक ही नहीं बचा और 1000 का सारा स्टॉक ही अपने पास है कम्युनिटी के पास है। हम हमारी कम्युनिटी कम है ना पैसा, बाहर का बंदा क्यों कमाए, सिंपल है। अब 1000 रुपए का तू भी कमा, मैं भी कमाता हूँ, मैं कुछ 700 रुपए लाके हम सबको परेशान कर रहा है, वो कर नहीं देना, इससे अच्छा 1000-1000 रुपए कमा लेते सब अपने बंदे, अपना भाई कमा लेना, बाहर नहीं जाना चाहिए, यही होना चाहिए सही में। तो बहुत सारे नोन है कि मैं प्रोडक्ट दे देता हूँ कि आ जाओ आप भी चला लो, ये कर लो, बट प्राइसिंग रहना, प्राइस और में मत आना, मगर जो बंदा प्राइस और में आ जाता है तो मैं उसको आगे से देना भी बंद कर देता हूँ, हट जाता है वो। ऑफ कोर्स यार देखो, जो गद्दारी करेगा फिर उसे झेलनी पड़ेगी। मैंने बोल सकते हैं क्लोज गद्दारी कर बे क्लोज बोल सकते हैं, ये टीम है, टीम नहीं बोलेंगे, ग्रुप बोल सकते हैं, जो क्लोज में ये सारे प्रोडक्ट आते हैं, मैं ओपनली नहीं डालता मैं मेन कम्युनिटी में कि सबको डाल दिया कि ले लो, तो आई हैव टू बी लाइक एक लेवल पे होना चाहिए कि मैं आपको क्लोज उसके अंदर मैं लूँ, और हम मीट्स करते हैं काफी बार, मीटिंग्स में आते हैं या बस हाँ लाइव मीटिंग्स हम करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, तो उसके अंदर वो कभी शेयर करते हैं, हम कभी चलता शेयर करते रहता है वो पूरा प्रोसेस। आपने एक सिस्टम में ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि कोई पर्सन अगर एंटर कर रहा है तो उसका एंड टू एंड सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि उसको एक चीज के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, एक चीज के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। अच्छा, एक ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में एक पूरा प्रोसेस होता है, लाइक आप कुछ ऐसे स्टेप्स में एक प्रोसेस को कम्प्लीट करोगे, प्रोसेस के अंदर लाइक बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैं, मेरे को थोड़ा सा पता है, आपने एक स्टोर सेटअप किया, देन आपने प्रोडक्ट पूरा विनिंग प्रोडक्ट्स को, ऑफ कोर्स विनिंग तो हम बाद में बोलेंगे, पहले प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग उसको क्रिएटिव्स पर आते हैं, फिर उसके हम लोग एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हैं, सेल्स आनी स्टार्ट करते हैं, तो एक पूरा एंड टू एंड एक प्रोसेस होता है, राइट। आई नो ये पेड होते हैं आपकी चीज़ें, आप जल्दी से नहीं बताओगे, बट फिर भी कि स्टार्टिंग स्टोर कहाँ क्रिएट करें, बेसिक्स में समझना चाह रहा था बेसिक के अंदर ऑडियंस के लिए। तो आप अगर आप कहीं पर भी अपने यूट्यूब पे या कहीं से सुना होगा तो पीपल से की वेबसाइट बनाओ सबसे पहले, ठीक है, तो हम कभी वेबसाइट पहले नहीं बनाते हैं, ठीक है, हमारा सबसे पहले रहता है प्रोडक्ट्स का, हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं सबसे पहले कि मैंने बताओगे एक आधा प्लेटफॉर्म कहाँ करते हो कैसे करते हो, थोड़ा सा डिस्क्लोज़ ऐड लाइब्रेरी पे देख लेना, ऐड लाइब्रेरी पे चेक कर लो जो बेसिक चीज है, जाके डालो क्या डालना आपको ऐड लाइब्रेरी पे, सीओडी मैं बिल्कुल बेसिक बताता हूँ, ऐड लाइब्रेरी में जाके काफी कैश ऑन डिलीवरी डाल दो, बहुत सारी कैश ऑन डिलीवरी हो गया, फ्री शिपिंग हो गया, 50% ऑफ 40% ऑफ, तो ये सारे कीवर्ड्स डालोगे तो आपको काफी सारी एड्स आ जाएगी, तो उसके बेसिस पे आप फिल्टर आउट कर सकते हो। तो अब आपके पास हमारा क्या रहता है, प्रोडक्ट रिसर्च में सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स एक ढूंढने हैं जो जो आपको पर्सनली अच्छे लग रहे हैं ना, पहले तो आप एक एक्सेल शीट बनाओ और 50 ऐड करते हो उनके लिंक, वेबसाइट लिंक और नेम ऐड करते जाओ। उसके बाद हमारे पैरामीटर्स हैं कि प्रोडक्ट की सोर्स प्राइस कितना होना चाहिए, वेट क्या है उसका, वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या है, तो उसका शिपिंग प्राइस कितना जाएगा, और आपने पूरा प्रोसेस बना रखा, पूरा प्रोसेस बना रखा, पूरा येस और नो टेक मारना आपको कि ये करना है करना ही नहीं करना, एवरग्रीन प्रोडक्ट है, सीजनल प्रोडक्ट है, ठीक है, किस टाइप की मार्केट को कैटर करता है, एग्जाम्पल के लिए हाई कि हाउसवाइफ को टारगेट कर रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो हाउसवाइफ का क्या ना वो नहीं अर्न करती, मगर उसका जो हस्बैंड है उस पर प्रॉबेबली अर्निंग सोर्स, अर्निंग पावर है ना, तो उसका बोल सकते हो कि और 10% इनकम में आ रहे नहीं आ रहे, जैसे कि एग्जांपल के लिए कि एक प्रोडक्ट है जो अल्कोहल से रिलेटेड है, ठीक है, अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट जो अभी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है हमारा, तो उस अल्कोहल से रिलेटेड मतलब अल्कोहल नहीं सेल है, उसके एक एसेसरी बोल सकते हो, एसेसरी है और वो है वाइन की, ठीक है, गॉट इट। तो मैं कोई चीज बताऊं, वाइन कौन खरीदते हैं प्रीमियम लोग में आ गए है ना, तो मैं प्रोडक्ट को प्राइस 3000 का भी बेच सकता हूं इजीली, प्रीमियम कैटेगरी को कैटर कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो हमको कैटेगरी भी देखनी है, आपको बहुत ऐसे छोटी सी प्रॉब्लम देख रहे हो जो लोअर क्लास को आ रही, तो आपको आरटीओ वगैरह प्राइसिंग में ज्यादा नहीं कर पाओगे, तो बहुत सारी चीजें कैटर करके चलना पड़ता है, और जैसे कि हम टॉयज का नहीं करते बिल्कुल, क्योंकि बाइंग पावर है नहीं चाइल्ड,
किट पे कहाँ पे है बाइंग पावर, वो ऑर्डर तो प्लेस कर देगा, प्रोडक्ट आएगा आरटीओ, मम्मी बोलेगी ये कहाँ से आया इसको भेजो ठीक है, वो कॉल भी बोलते भैया नहीं चाहिए ले जाओ, नहीं बुक मंगा लेता बुक, तू अब ये मंगा हाँ, के कर रहा है उसने तो शिप कर दिया ठीक है, बस हमारे तो आरटीओ चार्जेस लग गए शिपिंग, तो बहुत सारी पैरामीटर्स है टेक एंड क्लोज। उसके बाद आपने 50 थे, आपने 5 शॉर्टलिस्ट कर दी कि ये 5 ना ये सही लग रहे हैं वर्क कर सकते हैं। फिर आप वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट बनाई, प्रोडक्ट पेज बेसिक वेबसाइट रेडी, उसके बाद एडवर्टीजमेंट साइट पर जाते हैं, फिर वो 5 प्रोडक्ट की टेस्टिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग होगी प्रोडक्ट्स की, टेस्टिंग के बाद फिर प्रोडक्ट को सोर्स करा जाएगा, जैसे कि 3 प्रोडक्ट्स चल गए हमारे एग्जांपल में, 5 में से 3 चल गए, तो 3 का क्या होगा, अभी कॉस्ट पर चीज ओके आ रहा है आपका ठीक है, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है, वो हम इन डिटेल कोर्स के अंदर बात करते हैं, मगर मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ। अब 3 प्रोडक्ट्स अच्छे हुए, अब उसके भी उनके अलग पैरामीटर है, वो भी चलने गए, उनको भी पैरामीटर्स में मैनेज करना है, एग्जांपल के लिए डिलीवरी चेक करेंगे, कस्टमर इंट्रैक्शन कैसा है, कस्टमर फीडबैक, रिकरिंग कस्टमर्स है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। उसके बाद उनमें से एक प्रोडक्ट हमारा हमने चेक करा, 3 में से 2 चल गए, एग्जाम्पल 2 हमारे ओके गए, अब दोनों में से हम कंपेयर करेंगे कि किसके प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, तो जिसकी ज्यादा हो गया ऑब्वियसली आई विल पुट माय मनी ओवर देयर ना। अब जी किसी के 25% है, किसी के 17 है, 17 वाला क्यों करूंगा, अग्री, तो हम पूरा पुश करके आगे प्रोसीड करते हैं, और ये चीज हमारी डेली बेस पर रोटेट होती है, डेली वो ये कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं इस चीज में, ऐसा नहीं है एक स्टोर बनाया, 4 प्रोडक्ट उठाए, चलाने स्टार्ट कर दिए, ये एक्चुअली में प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ना कि एक लास्ट एंड गोल पर पहुंचने के लिए आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है, तो जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट एड लाइब्रेरी पे ढूंढा, तो वो प्रोडक्ट से लेके अगर हम उसको चलाएंगे, हमने रेडी कंफर्म ऑल आफ्टर ऑल अप्रूवल्स, तो एंड तक आते हुए उसको मेरे ख्याल से 20 या 25 डेज लग जाते हैं। गॉट इट, इतनी, और लोग सोचते हैं 1 हफ्ते में रिजल्ट आ रहा है, हाँ मतलब 1 हफ्ते में भी हो सकता है, बट वेरी डिफिकल्ट, मतलब कि हमारे जो पैरामीटर्स वो जजमेंट्स नहीं कर सकते ना, 25 डे के बाद वो कंफर्म है ना वो चलेगा, उसमें कुछ नहीं है। अब इसमें क्या, हमने कैलकुलेटर्स बनाया, आपको बस डिजिट्स पुट करने हैं ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग में, मैंने देखा था वो कैलकुलेटर, आपका आंसर आ जाएगा, हाँ तो वो सारी चीज है, तो हमको हम नंबर्स पे पूरा चल रहा है कि यस ये नंबर ऐसा है, तो यस नहीं तो नो, बाकी नहीं, प्रैक्टिकली बिल्कुल लॉजिकली लॉजिकली ऐसे नहीं चल रहा कि हाँ भाई सिस्टम्स क्रिएट हुए हैं टीम में कि वो सिस्टम्स पे ही वर्क करेगा कि ये चल जाएगा यार, वाला ऐसे वाला गेम नहीं है। इंस्टिंक्ट वाला नहीं, पूरा प्रोसेस डेटाबेस चल रहा है सारी चीजें, राइट। अब इसी थ्रू आउट प्रोसेस में ना एक कॉमन मिस्टेक, लाइक फेसबुक एड्स हम लोग चलाते हैं, हम लोगों को पता है, एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे जिनका एक क्वेश्चन रेज होगा कि अब हमारा एक प्रोडक्ट है अच्छा चलेगा ठीक है, अब हमें करनी है स्केलिंग अच्छी वाली, जो कि तरीके बहुत सबके डिफरेंट होते हैं, मेरा तरीका स्केलिंग का बहुत डिफरेंट है, आपका तरीका बहुत डिफरेंट है, लेट्स टॉक अबाउट योर वे, आप स्केलिंग कैसे करते हो, एंड ऑफकोर्स एक प्रॉब्लम और है ड्रॉपशिपिंग मार्केट में जो कि मैंने भी देखी और आप लोगों ने भी देखी होगी, ऑफकोर्स आप देखते ही होगे, एंड वी हैव द सॉल्यूशन, तो हम उसके रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं कि एड बैनिंग बहुत इश्यूज है, और वो बैनिंग इश्यूज नॉर्मल है, हमें पता है कि ये चीज होगी, ये इट्स एन एवरीडे थिंग भाई, ब्लॉक हाँ यार हो गया क्या कर सकते हैं, इसको चलो चलाओ, बहुत मेहनत कर करके बहुत अकाउंट खरीद के सारे दोस्त खत्म हो गए मेरे पास, उनके अकाउंट सारे खत्म हो गए, उसके बाद फैमिली मेंबर्स के सारे अरे रिश्तेदार से लेके दोस्त सारे जितने हो सकते थे सबका यूज कर लिया, किसी किसी को तो ये भी समझाना पड़ता भाई प्राइवेसी का ध्यान रखूंगा, नहीं बहुत सारे ऐसे फ्रेंड थे जो प्राइवेसी वगैरह तो साइड कर दो ठीक है, नहीं मैं नहीं दूंगा या जो भी, तो उन्हें पैसों का लालच देना पड़ता था, 3,000 ले ले, 4,000 ले ले, नहीं कुछ को मैंने जैसे किसी को कॉल किया ना भाई मैं तेरी पक्का चैट नहीं खोलूंगा, लेकिन तू अकाउंट दे, मम्मी कसम नहीं मम्मी कसम नहीं खोलूंगा। तो ये सारे करने के बाद फिर लास्ट में हमने मतलब बोल सकते हैं मेथड बनाया पर्सनली, और टाई अप्स करा बाहर की एजेंसी से, चाइनीज एंड हांगकांग, और वो सिस्टम जो मैं पर्सनली यूज करता था इनिशियली ठीक है, वो कि हम पर्टिकुलर बिजनेस मैनेजर प्रोफाइल एंड एड अकाउंट इस तरीके से सिमेट्री में रखते हैं कि आपकी ना बैनिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी फर्स्टली, और सेकंड आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको अनलिमिटेड स्पेंडिंग मिलती, कोई कैप नहीं मिलती, जैसे कि न्यू एड अकाउंट्स में क्या होता है 700, 4000,
10,000-20,000 ऐसे करके आपको लिमिट मिलती है एड अकाउंट्स में. उसके बेनिफिट्स इनफैक्ट मैं पर्सनल कम्युनिटी हमारी सब लोग यूज करते हैं एंड पब्लिक भी है, हमने डिस्कस करा हुआ है एंड इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो प्रोसेसेस बनाए हुए ना वो बहुत अमेजिंग है. हसल फ्री गेम वो वाला है ही नहीं. हाँ भाई ये दिक्कत आ गई भाई, ये हो गया वो हो गया. एंड ऑटोमेटेड सिस्टम है, कम्युनिटीज में बहुत डिस्काउंट्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं. इन-हाउस तो डिस्काउंट है बिल्कुल, बाहर प्राइस अलग है, इन प्राइस अलग है. तो स्टार्ट कैसे हुआ था कि मैं पर्सनली खुद के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहा था कि मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस था, मेरे को बैनिंग की खुद प्रॉब्लम थी. तो ढूंढते ढूंढते ना क्या वो फ्रेंड ग्रुप तो था ही जो कर रहे थे 10-15 लोग, तो उनको भी प्रॉब्लम थी. तो एवरीवन आस्किंग यार कैसे हो रहा है, तो मैंने उनको बताया कि आप ये मेथड यूज कर लो. तो मेरे को ना काफी टाइम थोड़े टाइम के बाद क्लिक करा यार कि ये तो मार्केट में सबको ही प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो इसको भी कैपिटलाइज करा जा सकता है. तो फिर ये होने के बाद काफ़ी सारे डिस्कशन और प्लानिंग के बाद आई लॉन्च नेक्स्ट एजेंसी, जो कि स्पेशली केटर और मैनेज करती है फेसबुक ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, बिडिंग एड्स, ग्रे मार्केट, ब्लैक मार्केट, जो वट एवर यू थिंक, ब्लैक हैट, हर चीज़ के एड्स रन हो सकती है. एंड माई टीम इज़ देयर टू मैनेज एंड हैंडल कि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना होए, एंड वी विल टेक चार्जेस फॉर दिस. समझ गया, ग्रेट. हाँ ऑफकोर्स आई नो अबाउट दिस सर्विस एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हसल फ्री है, बहुत ईजी टू गो है, सब कुछ बहुत अच्छे से चला रहे हैं एंड काफ़ी बड़ा नेटवर्क भी है एंड इनर कम्युनिटी के बहुत सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं यार. जरूरी भी है, सी इफ समवन इज ट्रस्टिंग अस ना, तो हम लोगों को ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि वो पर्सन का वो ट्रस्ट कभी टूटे ना. करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट. ठीक है, जितना ज्यादा मैं लॉन्ग टर्म आपके साथ जाऊंगा वो एक रीजन होगा ट्रस्ट, कि मैं आपके ऊपर कोई इसी चीज पे भरोसा करता हूँ, आप किसी चीज पे मेरे. बिल्कुल, तो वो गेम है ही. और ये जो हम जैसे मार्केटिंग इस पे बात ही कर रहे थे, तो हमारे थोड़े कोई इसी बात पे टॉपिक पे बात भी हो रही थी, मैं उस चीज को बोल नहीं पाया, मगर मैं अभी इस चीज को बोलता हूँ. जैसे कि मार्केट की बात कर रहे थे, हम किस ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, जैसे कि एजेंसी एड अकाउंट. तो एजेंसी एड अकाउंट के अंदर क्या होता है, फेसबुक एड मार्केटर्स हैं जो एड्स चला रहे हैं और उनके बैनिंग की प्रॉब्लम है. ठीक है, तो उनकी एड्स नहीं चलेगी, मार्केटिंग नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस स्टॉप, उनके कोई रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होता. इट्स अ स्केयरसिटी प्रोडक्ट कि लेना ही लेना पड़ेगा आपको, वरना तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा ना. हाई एंड डिमांड है, नहीं हाई डिमांड तो हटा दो, डिमांड एक होता है, डिमांड अरे क्रूशल है कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा बिजनेस बंद, तुम्हारा अर्निंग सोर्स बंद. हाँ, मतलब अगर देखा जाए तो जिसके बिजनेसेस ही पूरे एडवर्टाइजमेंट बेस पर चल रहे हैं. हाँ बिल्कुल, नीड है, एक्सट्रीम नीड है ना ये, कि नहीं होगा तो यार गोना डाई, डू और डाई वाले थिंग है. तो इसमें क्या है ना, डू और डाई वाले में, और डू और डाई करेंगे ऊपर से इनको हम सर्विस भी बहुत अच्छी दे रहे हैं मार्केट से कंपैरेटिवली, बैनिंग की प्रॉब्लम नहीं हो रही आपको, स्पेंडिंग अनलिमिटेड मिल रही है फ्रॉम द फर्स्ट डे, और हमारे एड अकाउंट्स यूज करने, ऑटोमेटेड सिस्टम बना है, आपको और क्या चाहिए, आप आओ एनरोल करो एंड स्टार्ट. राइट, ठीक है, हम थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड हो गए, अब हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं अपनी बातों को एंड थोड़ा लॉन्ग टर्म डिस्कशंस करते हैं कि आपके कुछ लॉन्ग टर्म कुछ प्लान्स होंगे. ऑफ कोर्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये भी डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करें. कि मतलब मैं 5 साल बाद की नहीं पूछना चाहता, मैं ये पूछना चाहता हूँ लाइक अपकमिंग 6 मंथ्स के क्या प्लान्स हैं. पहले तो फर्स्टली ई कॉमर्स का मेरा ये प्लान रहेगा कि जो हमारे फिक्स रहते हैं मेरे, कि हमारा मंथली टारगेट इतना ऑर्डर्स का जो मेरी टीम का है, पहले तो इसको इंक्रीज करना है फर्स्टली. डन. सेकेंड ब्रांड पे फोकस करना है, D2C ब्रांड हम क्रिएट करने वाले, तो उस पर फोकस रहेगा. थर्डली कोर्स वाला जो वर्क है उसको भी मैं बहुत पार्ट टाइम लेके चल रहा था, अभी इसमें काफी अपना टाइम बहुत और ज्यादा पार्ट टाइम में आपने इतना अच्छा क्रिएट कर लिया. हाँ पार्ट टाइम इन द सेंस कि फुल टाइम बिजनेस होता है ऑब्वियसली मेरा दूसरा है, तो इसके अंदर क्या था कि अभी स्टार्टिंग के अंदर फुल टाइम ऑब्वियसली नहीं दे सकता था, डोंट नो द पोटेंशियल और इसका आउटकम क्या आ रहा है. तो अब मेरे को इसमें पोटेंशियल देख रही है, तो आई विल gonna do give more time over here. ये हो गया. Next agency it's on automation. ठीक है, उसमें पूरे systems create हुए हुए हैं. And जो last है वो ये SaaS product, we are building a SaaS product related to e-commerce and dropshipping ही.
ग्रेट कि ड्रॉपशिपिंग ई-कॉमर्स का वो है। थोड़ा सा बताना चाहोगे या वो अभी डिस्क्लोज नहीं करना? मैं आइडिया दे देता हूँ, मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ। जैसे कि कोई मैंने कोई कहीं पर पढ़ा था, किसी बुक में कहीं पे, कि जब जब गोल्ड माइन होती है ना, गोल्ड माइन जमीन से सोना निकला, खदान खदान है ठीक है, तो उसमें या तो तीन तरीके के लोग होते हैं वहाँ पे। एक तो होता है जो निकाल रहे होते लेबर सोना, ठीक है, फिर एक होते ट्रांसपोर्टेशन है ना जो ले जा रहे हैं, फिर थर्ड है जो इनको खरीद के आगे सेल आउट कर रहा है, एंड फोर्थ आपका फोर होते हैं, एंड लास्ट कस्टमर जो इस गोल्ड को परचेज कर रहा है, ठीक है। तो ये मार्केट, ये पूरी चेन ना खराब हो सकती है कि लेबर भाग गई या प्राइस अप एंड डाउन हो गया या एक्सेलरेट कुछ भी हो गया। तो इस केस के अंदर जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है कौन कमाता है बताओ? अगर देखा जाए तो जो सेल कर रहा है, नहीं मैं बताता हूँ कौन कमाता है। सबसे स्टेबली और सबसे बढ़िया जो पैसा कमाता है वो कमाता है जो जो मिट्टी खोदने वाला सामान बेच रहा होता है, रेगुलर काम है उसका। हाँ, जो जो मिट्टी खोदने वाला क्या बोलते हैं उसे, मेरे को खुदाई करने वाले, खुदाई करने वाले इक्विपमेंट्स हो गए, नहीं इक्विपमेंट्स हो गए, जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है वो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है सोना निकालने के लिए, ना कि जो सोना निकाल रहा है। गॉट इट गॉट इट। हाँ, वो तो एक तरीके से वन डे वाले उस पर है ना। हाँ, एग्जांपल अगर हिंदी में बोले तो दिहाड़ी पे हो। और गोल्ड की मार्केट टोटली डिपेंड, मार्केट में क्या है, रिसेशन कैसे, वो तो बेचता रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं। एग्जांपल अमेज़न ले लेना, खरीदना ना बेचना, बीच में बैठ के अपना पैसा कमा रहे, तो उस तरीके से कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करा। हाँ, कि इट्स अ सॉल्यूशन फॉर बिजनेसेस, ई-कॉमर्स बिजनेसेस जो बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है और कोई भी इस चीज को करना नहीं चाहता, तो वी आर लाइक मेकिंग अ सॉफ्टवेयर आउट ऑफ इट एंड इसको एज अ सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अभी और इन डेप्थ थोड़ा और बाद में मैं पूछूंगा आपसे, आप बताना मुझे थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं लाइक ये 6 मंथ तक का प्लान, मतलब 6 मंथ में आप ये सब चीज़ें भी लॉन्च और सारी चीज़ें कर रहे हो, तो इस पर ऑफकोर्स कोई भी चीज़ लॉन्च करने से पहले, डिस्कस करने पहले, सो हम बैक देन बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, ऑफकोर्स करी होगी आपने, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी तो ये क्लिक हुआ कि हाँ ये चीज़ कर सकते हैं? सास प्रोडक्ट वाले की, सास की बात करो, क्योंकि मेरे को पर्सनली खुद प्रॉब्लम हो रही है ना। आई एम ऑल्सो बिजनेस ऑनर ऑफ ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग, तो जो मेरे को एज अ कस्टमर हो गया ना यहाँ पे, तो मैं एज अ कस्टमर जो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, इट्स एन मार्केट गैप जो मेरे को फील हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप करके दे दो मेरे को, कोई और इससे बढ़िया मैं कर दूँ। हाँ, मेरे को दिख रहा है कि कोई और, कि मेरे को कोई ये सोल्यूशन दे दे तो आई विल पे गुड मनी, ठीक है, और मैं बहुत आई विल बी वेरी हैप्पी कि मेरे को टेंशन लेनी पड़ रही और काम बहुत अच्छे से हो रहा है, और इट्स गोना इंक्रीज माई रेवेन्यू, कॉस्ट कट करेगा मेरा, रेवेन्यू इंक्रीज भी करेगा और टेंशन भी ले रहा, तो और क्या चाहिए? बट कोई है नहीं करने वाला, अब आपको खुद करना पड़ेगा, इट्स वेरी लाइक बिग टास्क करने में। जैसे एजेंसी आर्ट अकाउंट के अंदर हुआ था कि मैं मार्केट गैप है ही, मेरे को पर्सनली भी चाहिए, मैं इट्स सक्सेसफुल नाउ, तो और ये और बिग है, लाइक इन नॉट जस्ट लिमिटेड टू ड्रॉप शिपर्स और ई कॉमर्स जिनको बैनिंग प्रॉब्लम होती है, लाइक स्मॉल मार्केट ना, एक नीश मार्केट है ई कॉमर्स की, बैनिंग ब्रांड्स को नहीं होती, बट वी कैन प्रोवाइड दिस सर्विस टू ब्रांड ऑल्सो, लाइक D2C ब्रांड्स को भी हम दे सकते हैं ई कॉमर्स के अंदर, एक्स ए टू जेड जो भी है ई कॉमर्स के अंदर, एवरीवन नीड्स दिस प्रोडक्ट। ग्रेट ग्रेट, तो मतलब काफी ब्रॉड रहेगा ये, नॉट नीश, ठीक है। अब बिजनेस से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझी, सारी ऑडियंस को ऐसी ऐसी इंसाइट्स मिली होंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरे को भी मिली बहुत सारी इंसाइट्स, मैं भी इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हूँ, तो मुझे मैं बहुत सारी चीज़ें क्लिक कर पा रहा था कि हाँ यार ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, लाइक पर्सनली लाइक लाइफ तो अच्छी चल रही है, मुझे समझ आ रहा है, फ्रेंड्स वगैरह वाली बॉन्डिंग वगैरह पे फ़र्क पड़ता है? हाँ 100%। Like, थोड़ा सा बताओगे इसके बारे में? लाइक सिंपली मैं स्कूल पूरा नहीं करा, मैं कॉलेज गया नहीं। लिमिटेड है या अच्छे खासे हैं? क्या मतलब मेरे ना फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की बोल सकते हैं एक वो अलग डिफरेंट है, फ्रेंड वर्ड इज वेरी डिफरेंट। मतलब मैं किसी को हर किसी दोस्त नहीं बोल देता कि ये इज माय फ्रेंड और शी इज माय फ्रेंड, तो एक अननोन पर्सन, जानकार और दोस्त में डिफरेंस है। तो अगर मैं नोन की बात करूं तो हैव अ गुड नेटवर्क, बट फ्रेंड इज डिफरेंट। बिजनेस से हटकर मैं पूछ रहा हूँ कि बिजनेस वाले वेरी फ्यू ना, लाइक सर ये मतलब मैं मेरे साथ ही है या मैं इसलिए पूछ रहा हूँ? काउंट ऑन द फिंगर्स वाले कहानी है कि हाँ भाई खत्म,
ये है ये नॉर्मल है। एंड फैमिली में क्या क्या रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन होते हैं, ऑफकोर्स होते होंगे क्योंकि बिजनेस को लेके नहीं, बिजनेस को लेके नहीं, लाइक सी जब हम एक बिजनेस में होते हैं ना हमारा माइंड बहुत ज्यादा स्टक रहता है बहुत सारी चीजें, जैसे आपने बोला फर्स्ट थॉट भी मेरा बिजनेस होता है एंड एंड थॉट भी मेरे पूरे डे का बिजनेस ही होता है। तो उसमें टाइम कैसे मैनेज करते हो, फैमिली पर्सनल लाइफ मी टाइम, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर आपको मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है टू लाइक एनालाइज योर सेल्फ और क्या न्यू आइडियाज, क्योंकि हम हसल में और इन सब चीजों में ना नए आइडियाज पर काम नहीं कर पाते। जैसे मुझे पूरे दिन का एक घंटा चाहिए आराम से बैठकर मेरे बिजनेस को एनालाइज करने के लिए और मैं क्या क्या और कर सकता हूँ, क्या पोटेंशियल है उस चीज को ले, तो उसको कैसे मैनेज करते हो, थोड़ा सा बताओ कि लोगों को एक्चुअली में पता चले कि हाँ तीन चार बिजनेसेस आपने गिना दिए और एक माइंड चार बिजनेसेस पर लगा हुआ है, तो फिर वो कैसे मैनेज हो रहे हैं। फर्स्टली मैं मैंने जो पर्सनल लाइफ मी टाइम वाली चीज़ बोलूँ तो पर्सनल लाइफ एज सच अभी मैं बोलूँ कोई फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दे नो कि आई एम बिल्डिंग समथिंग, तो इसमें बहुत सारे सैक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं चीज़ों के एंड आई ऑल्सो नो कि सैक्रीफाइस बहुत सारे चीज़ों को होगा। तुम यहाँ बोल सकते हो कि पर्सनल टाइम फैमिली टाइम इज मैनेजेबल, लाइक अप एंड डाउन होके हो जाता है ऑब्वियसली डोंट इफेक्ट, बट मैं मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं अभी बिल्ड पे या ग्रोथ पे फोकस करूँ या इस चीज़ पे करूँ, तो बिजनेस पे अभी तो बोल सकते नॉट द बेस्ट पॉइंट फर्स्टली। सेकंड में अगर उसकी बात करूँ पर्सनल वाली, तो पर्सनल अभी कोई लाइफ है नहीं। अच्छा अभी नहीं है, अभी बिल्डिंग पे ही फोकस, बिल्डिंग पे है अभी, अभी सिंगल है अभी, हाँ, सिंगल है अभी, मैरिज का भी कोई प्लान नहीं है। मैरिज का कहाँ से प्लान होगा, तो वही मैं कह रहा हूँ मैं, तो पर्सनल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ क्या होती है, होती है यार क्या बहुत सारी चीज, लाइक आपने बोली दिया सिंगल हो उसको एंड कर दे, मैरिज तो अभी है यार, नहीं नहीं तो मैं कह रहा हूँ मतलब अच्छा चलो मैरिज की बात छेड़ी है, एज इन अगर मैं बात करूँ कि प्राइवेट पर्सनल लाइफ बोली ना आपने, तो आपके पार्टनर के साथ होती है ना पर्सनल लाइफ, तो मेरे हिसाब से फैमिली के साथ भी होती है बहुत बार, कि हमारी पर्सनल लाइफ में फैमिलीज में कुछ इश्यूज चलते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं बहुत बार, जो हमारे माइंड में है हमारी फैमिलीज के बीच में वो वाली तो ये अच्छा ओके तो मैंने फिर पर्सनल का, आपने फैमिली एंड पर्सनल दोनों अलग अलग बोला ना, मे बी दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज्ड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो थर्ड आपने बोला कि मी टाइम की रिक्वायर्ड होती है, तो ये मी टाइम का इनिशियली मेरे को इस पे मैं काफी कुछ बोल सकता हूँ। इनिशियली मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी मी टाइम की, बिकॉज क्या था जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि 10 घंटे काम नहीं करा यार, आज नहीं करा कुछ, ऐसा नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, फर्क है ना, लाइक लोगों को ना हसल करने की या ग्राइंड ग्राइंड करने की आदत हो गई है भाई, हसल ग्राइंड से नहीं चलता बिजनेस। ठीक है, अभी कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग में हो आप, सोलो कर रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली, हसल ग्राइंड कर रहे होगे, हैव अ टीम ऑफ 22 पीपल, ठीक है, तो मेरे 22 लोग बंदे काम कर रहे हो और आप अकेले कर रहे हो, तो आप कितनी हसल करोगे मेरे को बताओ। ठीक है, तो हसल का क्या है ना, आपको सिस्टम और बिजनेसेस क्रिएट करना है, आपको वेल्थ बनानी है, वाना बी रिच और ग्रोथ करनी है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड रहना है, तो बी हैव टू बी अ एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन, ग्राइंड करने से नहीं बनेगी वो वेल्थ। ये चीज मेरे को काफी लेट समझ आई है, और जब से मैंने इम्प्लीमेंट करा ना कि कोई भी बिजनेस को आप ग्राइंड या फ्रीलांसिंग या साइड हसल को छोड़ के जब उसे बिजनेस के ना कन्वर्ट कर देते हो, तो आपकी ग्रोथ बहुत स्पीड में होती है, बहुत स्मूथली होती है, हाँ। तो ये क्या, फ्रीलांसिंग या साइड बिजनेसेस मत करो कि उस समय साइड हसल को साइड बिजनेस, अगर कुछ दे रहा है उसको बिजनेस बना दो यार, तो बिजनेस के अंदर आप कभी कंपैरिजन ही नहीं कर सकते किसी बिजनेस को किसी साइड हसल से, तो वो आपकी मार्जिन खा जाएगा। तो पहले ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स से पहले वही थी मेरी, एक बोल सकते हो साइड इनकम तो नहीं बोलूंगा मैं, मतलब ग्राइंड थी वो एक तरीके, हसल थी, आई वाज आल्सो हसलिंग अकेले कर रहे हैं सारी चीजें, या एक दो बंदे ही है, तो इट्स आल्सो स्टिल कंसीडर एज ग्राइंड या हसल, तो आपको पूरा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा और वो बाय द टाइम ही होता है, ऐसा नहीं है कि आज स्टार्ट किया कल बन जाएगा। और इसका मेरे को एग्जांपल भी पता है, लाइक यूएस ड्रॉप शिपिंग थी सबसे पहले, यूएस में स्टार्ट हुई, ठीक है, तो यूएस के अंदर नॉर्मल लोग अपना लैपटॉप कंप्यूटर लेके करते थे अर्निंग, ठीक है, और अली एक्सप्रेस और अली बाबा से काम कर रहे थे, तो ये चाइनीज को पता चल गया कि नहीं ड्रॉप शिपिंग भी करके कुछ है, ठीक है, तो ये यूएस के अंदर बैठ के इंडियंस भी, कोई बाकी कंट्रीज के बंदे सोलो अकेले कर रहे थे मेजरली, नॉट एवरीवन, तो इन चाइनीज को पता चला, तो उन्होंने पूरा बिजनेस बना दिया इसका, वो सोलो नहीं कर रहे थे, उन्होंने प्रोडक्ट रिसर्च मार्केटिंग, ठीक है, इन्वेंट्री सोर्स प्रोडक्ट सोर्स, अब जो उतना भी ट्री सोच सकते हो ना वो पूरा ट्री के उन्होंने पूरे कॉर्पोरेट बना दिया,
आई एम डूइंग बोल मैं नंबर बोलूंगा ना 100 million dollars मेक आई नो कंपनी जो 100 million dollars कर रही है ई कॉमर्स यूएस ई कॉमर्स के अंदर पहले उन्होंने ड्रॉप शिपिंग करा उन्होंने वेयर हाउस बना दिया वहाँ पे चाइना से वहाँ शिप करके 100 million कर रहे हैं और मेरे ख्याल से 400-500 वेबसाइट चल रही होंगी फुल स्केल्स पे एक हाँ। तरीका होता है हर बिजनेस को करने का आपको वो तरीका बहुत अच्छे से एंड एक प्रोसेस के साथ पूरा चलाना है ऐसा नहीं है अब साइड हसल दी हो एक तरीके साइड हसल ही रहती अब 100 million कमा सकता साइड हसल वाला बंदा कभी बस सिंपली है और सेकंड जो मी टाइम वाली बात है तो सिस्टम्स क्रिएट करके बिजनेस क्रिएट करके न्यू आइडियाज पर फोकस करा जा सकता है तो मैं फ्री थोड़ा फ्रेश माइंड मेरे पास रहता है सो आई कैन थिंक आउट मोर थिंग्स और फ्यूचर प्लान्स फर्स्टली और सेकंड ये है कि मेरे को लास्ट टाइम बताओ आपका बिल्कुल शांत बैठ के ऐसे बिल्कुल किसी से बात नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहे चुपचाप बैठ के सोच रहे हो मैं अभी लास्ट एक दिन पहले मैं ऋषिकेश में था एंड अच्छा यूजुअली ऋषिकेश को हटा के बिना फोन के बंदा कब बोर देखा है कि बंदे बोर होते हैं कोई एक घंटा like, मैंने लास्ट 2 हफ्ते से मैंने 1 घंटा निकालना स्टार्ट किया है उसका एक रीजन है मैं बताता हूँ बहुत बार ना मैं जब से इस बिजनेस में हूँ मेरे को ना एक फील आई थी दैट इज कि मैं ना क्या कर रहा हूँ रेगुलर एक चीजें कर रहा हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट माई बिजनेस इज ग्रोइंग ठीक है नो प्रॉब्लम अच्छे स्केल पर हम जा रहे हैं धीरे धीरे जा रहे हैं ऑफकोर्स मुझे बूस्ट चाहिए था एंड उस बूस्ट के लिए ना मुझे मेरे साथ बैठना था करेक्ट अब वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया था मेरे लिए कि अगर मैं नहीं बैठता ना तो एक्चुअली मैं एक स्टैग्नेंट पॉइंट पर आ जाता कि भाई इतना मैं एक्स कर रहा हूँ इतना एक्स कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ भी इतना एक्स कर रहा हूँ 1.5 लाख का ऊपर नीचे हो रहा है कोई फायदा नहीं है यार ए में पुट कर रहा हूँ और बी आउटपुट आ रहा है इतना आ रहा है फिक्स हो गया था बी से चलो सिक्स सी चले गए किसी में तो डी चले गए बट आई वॉन्ट ए से एटलीस्ट हम लोग जाए तो जाए मिड पॉइंट तक कि एक बार स्केल देखें एंड ऑनेस्टली लास्ट 2 वीक्स में मैंने जब बैठना स्टार्ट किया एंड आई हैव एनरोल्ड वन इन वन कोर्स मतलब ऑफ कोर्स मैं कोर्स कभी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता हूं बट मैं बैठा रहा हूं अपने आप को ठीक है एंड उसमें कंप्लीट करूंगा एंड थोड़ा सा अपनी और अपस्किल कर रहा हूं क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर ना आपको सेल्स पर तो फोकस करना होता है बट साथ ही साथ आपको ग्रोथ पे भी फोकस करना होता है सेल से ग्रोथ नहीं आती है ये मैं मानता हूं सेल आ गई ठीक है वो आपके बिजनेस को चलाएगी ग्रोथ आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाएगी है ना करेक्ट एंड ग्रोथ के लिए आपको समझना पड़ेगा मार्केट ट्रेंड्स क्या है मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं मार्केट में आप क्या चीजें कौन सा गैप फिल कर सकते हो जैसे आपने बोला कि जो गैप आपको लगा था आपने उसको फिल करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढा बैठे नहीं रहे एंड ये सेम पर्सनली मैं भी फील करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई गैप है तो मुझे भी ढूंढना है एंड उसको फिल आउट करना बिजनेस क्या है प्रॉब्लम सॉल्यूशन और उसको कैपिटलाइज करना सिंपल एंड हर चीज सही में मैंने लास्ट 2 वीक्स से स्टार्ट किया है 1 घंटा एटलीस्ट अपने आपको देने का एंड ऑनेस्ट बताऊं मैं पूरा 1 घंटा नहीं दे पाता हूं ओके गॉट इट बट फिर भी मैं टाइम निकालता हूं कोशिश करता हूं बैठता हूं समझता हूं चीजों को क्या चल रहा है कैसे चल रहा है तो मेरा जैसे आपने नई चीजें आई हैं मी टाइम का पूछा था तो मेरा मी टाइम से जैसे आप बोला था तो मैं ये पूछना था कि लोग बोलते हैं ना आई नीड अ मी टाइम उन्हें मी टाइम नहीं चाहिए होता उन्हें टाइम पास करना होता है एक चीज और बताता हूँ आजकल रील्स भी आपके माइंड सेट को देख कर आती है आप पता क्या होता है अब जब आपको रील्स आ रही है अगली पर आप खुद स्विच करोगे क्योंकि वो आपके टाइप की आ रही है अब ये नहीं समझ आ रहा लोगों को कि भाई वो एक्चुअली में आपको माइंडसेट समझकर दिखाई जा रही है मैं कहना चाह रहा हूं जा रही है काम के बीच में यू नीड मी टाइम तो आपने बस वो वर्ड बना दिया दैट आई नीड मी टाइम बट वो जो एडिक्शन है ना वो आपको बुला रहा है कि स्क्रॉल कर या ये देख तो वो देख वो तुम्हें मी टाइम नहीं चाहिए मी टाइम बोल जैसे कि आपने मेरी बात पे वो कर दिया स्टैंप लगा दिया कि मैं 1 घंटा बैठने की कोशिश करता हूँ बट मैं बैठ नहीं पाता मतलब एक आपको मी टाइम चाहिए था बट आप कोशिश कर रहे हो कि मैं अपने साथ टाइम दे सकूं अपने आप को ये आपका था ना कहने का मतलब आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड ऑनेस्टली उससे रिजल्ट्स भी बहुत चेंज हुए एंड मतलब 100% हो गया लाइक
हमारी जब लास्ट टाइम एक चीज पर बात हुई थी, आई हैव सॉल्व दैट, आई हैव क्रैक दैट, उस पर मैंने काम किया एंड वी हैव गेन सम गुड रिजल्ट्स. अभी आपने लाइक रिसेंटली, मैं बताऊंगा इसके बाद हम लोग बात करते बैठते हैं एंड उसी से रिलेटेड अभी मैंने आपसे 2-4 मिनट पहले की हमने 6 मंथ के हमारे क्या प्लान्स हैं, ये फिर आपने कहा कि बैठते चलो इस पे. तो वो पता है एक्चुअली में कब आ पाया, जब मैं बैठा और एनालाइज किया मेरी टीम मेंबर्स में क्या क्या चल रहा है. मतलब आपको सही बोला, टाइम पास के लिए टाइम नहीं, मी टाइम के लिए टाइम अगर आप एक्चुअली ढूंढोगे तो 1 घंटा निकालना भी मुश्किल पड़ेगा. अरे निकाल भी लोगे ना, करना नहीं जाएगा, कर नहीं जाता क्योंकि हमारे माइंड ऐसा चलता है. कभी कभार पता है, मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, होता होगा शायद आपके साथ, आप इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाते हो, कोई पर्सन आपको कोई बात कर रहा होता है ना, आप उसकी बात को इग्नोर कर देते हो और वो कभी कभार गलत फील कर लेता है. अच्छा, इग्नोर कर दिया इसने, मतलब हम कर नहीं रहे हैं, वी आर इनटू समथिंग कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ और एक पर्सन ने कोई बात बोली या पूछी कोई बात, उसका आंसर नहीं दे पाए. हुआ है कभी ऐसे? यूजुअली मेरे साथ पता नहीं ऐसे, या तो ये किस वजह से हुआ है क्या, एवरीवन इज डिफरेंट. मैंने देखे काफी लोगों को कि वो बहुत जोन इन हो जाते हैं वो वाली चीज है. यही चीज है बिल्कुल. हाँ, मेरे साथ जोन इन वाला ऐसा नहीं रहता. मेरा क्या रहता है, मैं घर जाके अपना टाइम स्पेंड करता हूँ तो मैं उसमें जोन इन होता हूँ, तो उसमें मेरे को पता है कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा पर्टिकुलरली, वरना ऑफिस के अंदर लाइक वेरी गलत लगे मुझे नहीं पता. मैं एक स्टीरियोटाइप और तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, मैं तो तोड़ ही चुका हूँ. लोग कहते हैं आपको ऑफिस जल्दी आना चाहिए, मैं थोड़ा लेट आना स्टार्ट किया है क्योंकि मैं ऑफिस जल्दी आ जाता हूँ ना, मैं उन कामों में लग जाता हूँ जो मेरे काम नहीं है. मैं साहिल भाई इसमें ये बोलूंगा कि इट्स टोटली डिपेंड आपका क्या वर्किंग कल्चर है. कल्चर नहीं बोलूंगा, आपका काम क्या है, आप आके ऑफिस आके करते क्या हो, वो मैटर करता है यूजुअली. अब एग्जांपल के लिए अब आके आप अपने टीम के साथ डे टू डे जो वर्क है उसके अंदर आप खुद भी कर रहे हो साथ में, तो डिफरेंट है. तो आपको सेम टाइम आना चाहिए कि आपकी टीम भी करे. जैसे कि एग्जांपल के लिए सेल्स का एग्जांपल लेते, आप पे लीड्स आनी स्टार्ट हो गई और आप भी हेल्प कराते अपनी टीम को, तो आप ये नहीं कि 2 घंटे बाद हो गए, आप भी सेम टाइम पे हो गए. अब क्या एक फिर डिफरेंट लेवल हो जाता है कि आपने टीम क्रिएट कर रखी है और वो टीम की रोटेशन ऑटोमेटिकली हो ही जा रही है. अब आप डिसीजन मेकिंग्स के लिए आ रहे हो, नेक्स्ट स्टेप्स लेने आ रहे हो या बाकी सारी चीजें करने आ रहे हो, तो आपको अपना कम्फर्ट टाइम देखना पड़ेगा. तो हम सेकेंड स्टेज पे हम लोगों ने बनाया इसी तरीके से, बिकॉज आई एम बिल्डिंग समथिंग जिस पर एक्चुअली में मैं टाइम दे रहा हूँ और वो टीम मेरी यहाँ पर लोकेटेड नहीं है, वो टीम बाहर है लाइक वर्क फ्रॉम होम पे, तो आई हैव टू इन्वेस्ट माय टाइम टू दैट. बट ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कंटेंट साइड पर भी एक्टिव हैं. ऑफ कोर्स बातें हमारी भी हुई है कंटेंट पे, कैसे करना है क्या करना है, बट मजा आ रहा है जर्नी में जो कि एक्चुअली में चाहिए था. क्योंकि ये चीज आप भी मानोगे, मैं भी मानता हूँ कि जिस काम को करने में मजा आता है उसमें ही आप एक्चुअली में 10 घंटे या 12 घंटे या 14 घंटे नहीं एग्जॉस्ट नहीं होते. नहीं ऐसा नहीं है भाई. ऐसे क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं ना कि अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, आप कभी बोर नहीं होगे या आप थकोगे नहीं, जैसे कि आप वो बोल तो रहे है ही. मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब थकना इज अ थिंग, बाय प्रोडक्ट है वो तो. बाय प्रोडक्ट है, कर रहे हैं काम तो इंसान थकेगा, कोई फिजिकली थकेगा कोई मेंटली थकेगा, वो तो है. वो तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हम मेंटली थक. द पॉइंट इज ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम यार कल मुझे दोबारा वो चीज करनी है. आप समझ रहे हो? हाँ, वाली चैलेंजिंग है, चैलेंजेस है, नई नई चीजें. वो हेट नहीं करते, हेट नहीं करते, तो ये बोल सकते हो कि लव एंड हेट डिफरेंट है ना, न्यूट्रल भी हो सकता है. राइट राइट, मतलब ऐसा नहीं है यार कल मुझे सुबह उठना है फिर जॉब पे जाना है या फिर कोई भी एक्सरसाइज. मैं यहाँ पर गलत नहीं बोल रहा हूँ, जॉब को मैंने भी करी है. नहीं नहीं, उसके अंदर कुछ मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि सुबह उठना है फिर दोबारा से यार सेम चीज करनी है एंड फिर मेरे सेम टास्क है. मेरे पास कल कोई और चैलेंज आ सकता है. बिल्कुल. मेरे टीम मेंबर मुझे बोल सकता है कि मेरा नोटिस पीरियड स्टार्ट है, मैं नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ, अब मुझे एक राइट पर्सन को ढूंढना है. तो वो आप समझ रहे हो? तो वो टास्क है, वो चैलेंजेस है. तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगले दिन यार दोबारा से दोबारा यही करना पड़े. हाँ, डिफरेंट है वो, फिर हेट हो गया ना आपको अपने काम से. वो नहीं है. हाँ ठीक है, मजा आ रहा है. हेट वाला तो डिफरेंट हो गया ना, बट पीपल लव द बाय प्रोडक्ट एंड द आउटकम.
ये तो आपको देखना है कि आपको वो है काम पे फोकस है, आपके बाई प्रोडक्ट पे फोकस है आपका। कि बहुत सारे बिजनेस के अंदर चीज है कि अब एग्जांपल ये बताओ, जिसका सीमेंट का काम है, सीमेंट बिजनेस ओनर है, ठीक है, बिजनेसमैन है वो, एंटरप्रेन्योर नहीं है, उसको सीमेंट से प्यार है? ऑफ कोर्स नहीं है ना, मगर वो सीमेंट सीमेंट वही मैं कह रहा हूँ, मगर उसका बाय प्रोडक्ट देखो ना, कितने पैसे कमाते हैं। तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि बाय प्रोडक्ट पे फोकस होना चाहिए, उसको कोई पैशन नहीं है कि ये वाला सीमेंट बढ़िया है, ये वाला मेरे को बहुत पसंद है, या इसकी मेरे को खुशबू पसंद है, या मेरे को करने में मजा आता है। नहीं, वो जो बाय प्रोडक्ट जो उसका बनता है उसमें मजा आता है। तो बाय प्रोडक्ट में मजे करो यार, पैसा बनता है ना, हर चीज देखने के लिए नहीं होती, कुछ कुछ चीजों को इग्नोर भी करा जाता है, करनी पड़ती भी। और कहते हैं ना, कुछ चीजें हम लोगों को करनी भी पड़ती हैं, हम ना चाहते नहीं, करना ही चाहिए, करनी पड़ती वाली नहीं, करना ही चाहिए। इग्नोर हर चीज पे नहीं करते फोकस, हर चीज पे फोकस कर। अब मैं बताओ, आप व्हीकल चला रहे हो, अब हर चीज पे फोकस करोगे तो अपने डेस्टिनेशन पे वो कर पाओगे? कितनी जल्दी पहुंच ही नहीं पाएंगे, जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, ढंग से नहीं पहुंच पाओगे। आपका रोड पे ध्यान होना चाहिए कि आस पास की फालतू चीजों पे चल रहा है वो, चल रहा है। तो आपका बाय प्रोडक्ट क्या हुआ? आपको जो मंथ के डेस्टिनेशन में पहुंच के जो मिलेगा, तो आप रास्ते की क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो? इसके अंदर फिर लोग कहते हैं डोंट, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन, तो आप सब्जेक्टिव है, वो भी चीज सब्जेक्टिव है। बहुत बार लोग पाथ को भी एंजॉय करते हैं, बहुत लोग सिर्फ डेस्टिनी को एंजॉय। हाँ, मगर आप बाय प्रोडक्ट से भी तो एंजॉय कर सकते हो, उससे भी बना सकते हो जर्नी। मेन तो वही है, अगर जैसे अभी आप ऋषिकेश होके आए हो, आप बाय प्रोडक्ट से एंजॉय नहीं करा बहुत, बस। एंड इसी हम मतलब मैं अच्छा एक चीज और पूछूंगा इसी में ही, मतलब मेरे को जब भी मैं जैसे सोचता हूँ कि जैसे 2-2.5 हफ्ते से ना वी आर वर्किंग रेगुलरली कुछ चीज़ों पर, ऑफकोर्स क्रिएट हो रहा था सब कुछ, एंड मेरे को अंदर से ये रहता है कि अगर मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे पर्सनली बहुत चीज़ें परफेक्ट चाहिए होती हैं, तो उसमें मैं इन्वॉल्व होता हूँ, लाइक परफेक्शन चाहिए मेरे को, इस चीज़ का आइडिया हो गया अच्छे से। तो उस चीज़ के बाद फिर मैं हम लोगों को मेरे को एक ब्रेक चाहिए था, वो मैंने ब्रेक लिया। टू अगर मैं कोई चीज स्टार्ट कर रहा हूँ ना, मुझे एनर्जी चाहिए उस चीज में। जैसे आपने, अगर आप पहले मुझसे मिले होगे, एक डिफरेंट एनर्जी देखी होगी, शायद अब थोड़ी सी डिफरेंट ग्लो है फेस पे, थोड़ा हैप्पी लग रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा मैंने जिम में चीजें स्टार्ट करी ना, डाइट चेंज पे चला गया हूँ, मैं अच्छी चीजें खाने लगा हूँ, तो ग्लो आ गया, अनार खा रहा हूँ, पपीते अनार खा रहा हूँ, तो वो चीजें खा के, मतलब कह रहा हूँ मैं, दो चीजें खा के, मतलब उस ब्रेक में ना एक एनर्जाइज होता है, मतलब आप ब्रेक्स लेते हो? हाँ, मिड में ब्रेक्स, मी टाइम अलग, एक ब्रेक अलग लिया, जैसे ट्रैवल करते हो? मैं ऑलमोस्ट एवरी मंथ ट्रैवल करता हूँ। ट्रैवल करते हो ना? हाँ। हम लोगों ने भी ये चीज लाइक ऋषिकेश गए थे, मैं लास्ट ये बोल सकते हो रिपब्लिक डे था ना, उसका लॉन्ग वीकेंड आया था, तीन दिन का पड़ गया, तो मैं ऋषिकेश ही गया था। ऋषिकेश इज लाइक माय गो टू डेस्टिनेशन, मेरा लॉन्ग वीकेंड आती हम ऋषिकेश डन है, यही सेम, लाइक मैं ऋषिकेश को ऐसे कि निकले पहुंच गए। हाँ, दिल्ली से बहुत पास है ना, लाइक इट्स लाइक अगर कोई मुंबई से देख रहा है, इट्स लाइक उनके लिए एक लॉन्ग ट्रिप होती है। नहीं नहीं, उन्हें बता दो, मुंबई से कोई देख रहा है तो आपका गोवा या लोनावला देख लो वीकेंड ट्रिप। हाँ, वीकेंड ट्रिप के पास है। हाँ, उस तरीके से हमारा ऋषिकेश पड़ता है। हाँ, अगले ऋषिकेश पड़ता है, एंड ऋषिकेश में सुकून है यार। नहीं, वहाँ चल तो कामनेस जो है ना, वो गंगा जो जाते हुए वो जो वहाँ साइड में बैठ के जो कामनेस मिलती है, वो लाइक सारा जो बिजनेस का स्ट्रेस है ना, होता है ना। हम लोग पता है इस बार यही हुआ, हम लोग गए हुए थे वहां पर एक, मतलब नॉर्मली हम लोग रात को मैं और मन ट्रैवल कर रहे थे ना, ट्रैवल करा हम लोगों ने, साई घाट सुना है? हाँ, सुना है। साई घाट पर हम लोग बैठे रात को, अबाउट 8-8:30 बज रहे होंगे, वहां पर एक बंदा गाने चलाकर बैठा हुआ था। हमने कहा यार गाने चलाकर, इतनी तेज तेज गाने चलाकर बैठा, यहाँ इंसान सुकून के लिए आता है। हम लोग उसके पास गए, अब हम लोगों ने यार, मैंने कहा लोकल है छोड़ो, क्यों ही बोलना है, क्यों ही पड़ी लकड़ी लेनी है, खड़े रहो भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। इतने में ही एक बंदा और आकर उसको बोलता है कि भाई यार यहाँ पर लोग सुकून के लिए आते हैं, और तू यार इतनी तेज गाने चला के सुनने है, तुझे थोड़ी धीरे कर ले आवाज। भाई गलत नहीं बोला उसने, तो मैंने थोड़ा सा उसे, मैंने भी साथ दिया, मैंने कहा यार भैया देख यार थोड़ा सा आवाज कम कर लो यार, हम लोग भी थोड़ा शांति के लिए आए। तो वो ऑफेंड हो गया, और जो जिस बंदे ने बोला ना, उसने थोड़ा अलग तरीके से बोला, उसने कहा मैं लोकल हूँ। अच्छा, दूसरा बंदा कहता मैं भी लोकल हूँ। तो कहता चल भाई तू भी लोकल है, कर लेना कम। अब उनकी थोड़ी भसड़ सी हो गई, फिर
सॉल्व कराया। फिर उसके बाद का जो सीन हुआ ना, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे में इतने सुकून, वो गिटारिस्ट था बंदा, वो आया। अच्छा मैंने स्टोरी देखी थी आपकी। हाँ, बैठे हम लोग और उसने गिटार प्ले करना स्टार्ट किया। एंड भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऋषिकेश में बहुत अच्छे आर्टिस्ट आते हैं और अंडररेटेड बिल्कुल भाई। उस बंदे ने लाइक मन है यहाँ पे, मन हम लोगों को 2.5 घंटे मतलब इतने एंटरटेन हुआ और इतना माइंड रिलैक्स हुआ। इनफैक्ट और लोग भी ज्वाइन कर रहे उन लोगों ने हम लोगों के साथ, मजा आ गया था। लाइक नो डाउट दैट वाज द लाइक हीलिंग मूवमेंट फॉर बोथ ऑफ अस। बहुत मजा आया, बहुत आर्टिस्ट ऋषिकेश में है। ये चीज वाइब है ऋषिकेश, वो तो है ही बिल्कुल। मेरे पास भी सिमिलर से ही काफी स्टोरी है। तो मैं 2 साल पहले गया था ऋषिकेश में, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था उस टाइम पे। तो हम ना ऐसी जो तट है ना, जो साइड में जगह होती है घाट के पास, हम वहाँ पे बैठे हुए थे और हम गंगा जी, रात का टाइम था, गंगा जी जा रही थी, आवाज आ रही बहुत अच्छी सूदिंग सी, बहुत बढ़िया है ना, बहुत रिलैक्स। एग्जैक्ट ओम फ्रीडम कैफे के नीचे जो सीढ़िया है, बैठ के बिल्कुल कर रहे हैं। तो वहाँ पे ना एक गिटारिस्ट और एक लड़की आए और वो आके अपना वो करने लग गए, जैमिंग कर रहे हैं। तो हमने सुना, काफी अच्छा लगा। तो उसने बोला मैं एक आपको गाना सुनाता हूँ, मैं जो कि मैंने अभी अभी लॉन्च करा है इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, और उसने करा। तो हमने बोला ठीक है अच्छा गाया, मैं बस उसकी स्टोरी पे मैं आपको दिखाऊंगा। और वो गाना हम जब घर आए ना, उसके बाद वो एक्सट्रीम वायरल चला गया इंस्टाग्राम पे। वो ऋषिकेश से रिलेटेड ही कोई गाना था। कौन सा थोड़ा सा मैं आपको सुनाऊंगा, मेरे पास सेव्ड है। ठीक है। वो बंदा मेरे को मिला था, वो कहता है मैंने डाला है ऐसा ऐसा करके, और उसको फर्स्ट सॉन्ग था सुपर हिट, एक्सट्रीम सुपर हिट गया था वो गाना उसका। तो हमने बोला कि और काफी फेमस भी हो गया उसके बाद। तो जो आपने बोला ना, काफी सारे आर्टिस्ट हैं वहाँ पे। नहीं नो डाउट लाइक, और वो जो बंदा मतलब जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो जो बातें भी कर रहा था ना अच्छा, बट उसके बाद उसने कुछ ऐसी हरकत कर दी थी जो मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने कहा यार नहीं, तू गिटार वही ठीक है साले, तूने तो यार गलत ही कर दिया। अब पता नहीं वो देखेगा तो ऑफेंड हो जाएगा, हो जाए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो चीज अच्छी थी उसके लिए अच्छा नहीं लगा। नहीं कौन सा नहीं, एज अ आर्टिस्ट ही इज परफेक्ट, बट एज अ पर्सनालिटी इज नॉट, एज अ ह्यूमन बीइंग नॉट, एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज नॉट, बट ठीक है वो पार्ट अच्छा था इसलिए मैंने शेयर किया। ऋषिकेश में मजा आता है। ट्रैवलिंग आप यूजुअली करते रहते हो? हां मैं करता रहता हूं। ट्रैवलिंग हील्स ऑब्वियसली किसको नहीं पसंद ट्रैवल करना, बहुत लोगों को नहीं पसंद। क्या बात कर रहे हो यार, बहुत लोग हैं ऐसे कौन जिनको ट्रैवल करना नहीं पसंद, उन्होंने ट्रैवल नहीं करना आता। एग्जैक्टली मैं बताता हूं क्या होता है, बहुत लोग ट्रैवल नहीं करना आता। इनफैक्ट लोग ना अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहते, असली में बोला जाए तो वही वाली कहानी है। उनको कंफर्ट क्या लगता है, मैं लेट जाऊं, मेरे पास फोन हो, लैपटॉप हो, नेटफ्लिक्स चल रहा हो, कुछ हो, स्विगी हो, बस चल। तो यही तो फिर कंफर्ट जोन वाली बात करते हैं सारे। तो बिजनेस के अंदर भी तो यही है ना कि आपको अपने कंफर्ट जोन से हटना ही नहीं, फिर आपको कुछ बिल्ड भी करना है या कुछ एक्सपीरियंस करना है या कुछ अच्छा होते हुए देखना है। तो अपने कंफर्ट में बैठे रहोगे तो कैसे होगा। इन नेक्स्ट 6 मंथ आई विल बी दिस, बट थ्रू आउट 6 मंथ व्हाट वी आर डूइंग ये है, ये वाली चीज तो है भाई, वो ये बाय प्रोडक्ट चाहिए। अब जैसे कि अब किसी को पसंद नहीं है लाइक मतलब इंट्रोवर्ट है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर आप एक इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, टोटली डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कि आप सोलो ट्रैवल करो मेरे हिसाब से, एक बार मैं ट्राई करूंगा सोलो ट्रैवल। आपने रिसेंट किया है ना मुझे बताया? हां मैंने 3 बार कर लिया। 3 बार एक्सट्रीमली डिफरेंट भाई, बहुत डिफरेंट है। इस बार पता है ऐसा हमारा प्लान हुआ था, पहले हम लोग 4 जने ही जा रहे थे, फिर उसके बाद 2 जनों की तबीयत खराब हो गई, फिर हम लोगों की प्लान कैंसिल ही हो रहा था, बट फिर भी मैंने कहा नहीं यार ठीक है कैंसिल नहीं करते चलते हैं। सब सोलो ट्रैवल का सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि आपको किसी का मैनेज नहीं करना, कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा, क्या टाइम से उठ रहा है, किसका क्या करने का मन है, तो वो पहले तो मेंटल क्लियर। ये चीज तो हुई है इस बार, जो मेरे साथ पर्सन गए थे मन हमारे, वो पूरे ट्रिप में सोया ही है। तो आपको दूसरे के हिसाब से भी चलना पड़ता है, और उसके लिए भी सेम है ना, अगर वो ट्रिप करके वहां पे रिलैक्स करना चाहते हैं बिल्कुल आराम से, उसको सही में एक्चुअली में प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे को घुमाया जा रहा है, जो भी एक्सरसाइज सब कब मैंने उठाया, मैंने कहा चल हां, तो वो तंग हो रहा है, उसको सोलो ट्रैवल करना चाहिए। सोलो ही मैं एक बार ट्राई करूंगा फॉर श्योर। और बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर सोलो ट्रैवलिंग क्या होगी आपके हिसाब से, फर्स्ट ट्रैवल कोई भी, कोई भी
क्या है ना, देखो फर्स्टली तो आपको किसी को कुछ आंसरेबल नहीं हो कि क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। सेकेंड चीज ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है सोलो ट्रैवल के अंदर, वो ये जब जो बाकी लोगों से जब मिलते हो आप, जब अननोन लोगों से इतने डिफरेंट माइंड सेट मिलेगी ना साहिल भाई आपको, कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि बाकी लोग इस तरीके से भी सोचते हैं कि अच्छा लोगों का आउटलुक कैसा है चीज कुछ पर्टिकुलर चीज एक्स वाई चीज को लेके। आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, आपको चीज़ें पता चलती है, कल्चर्स के बारे में पता चलता है। जैसे मैं क्लॉडगंज गया था, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को ऑस्ट्रेलियन जर्मन ग्रुप मिल गया था, दे आर ट्रैवलिंग वर्ल्ड ट्रैवल पे निकले हुए थे, वो सारे सोलो अलग अलग थे, सब मिल गए थे। ओ तेरी। तो वो उस टाइम में क्लॉडगंज पे थे, तो मैंने उनके साथ 4-5 दिन पूरा उन्हीं के साथ निकाला और उन्होंने इतनी सारी चीज़ें मेरे को बताई अपने कल्चर के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, कि बहुत सारे जोक है हमारे लिए जोक है मगर उनको नहीं समझ आते, उनके लिए जोक जस्टिफाइबल ही नहीं है, मतलब कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि बोला क्या है, उनकी बहुत सारी चीजें मेरे को समझ नहीं आ रही, उनका चीजों को लेके आउटलुक कैसा है, मतलब सारी चीजों का बैरियर्स हैं और मजा आ रहा है। हाँ, अब उनका आउटलुक कैसा है किसी चीज को लेके, जैसे एग्जांपल के लिए वहां पर एक बंदा था, मैं अभी भी कॉन्टेक्ट में है, काफी बार बात करता हूँ कॉल पर, उसका नाम था क्रिस, ठीक है। तो ऐसी कोई बात हो रही है ना, फैनी पैक पता आपको, तो वो ना नीचे से खरीद के लाया था मेन मार्केट से, सेम मेरे को देख के कि अच्छा लग रहा है मैं भी ले आता हूँ, तो मैं लेके आया था 300 समथिंग का कैरी करने, वो देख के आया 500। तो मैंने बोला कि ब्रो यू पेड द वाइट मैन टैक्स, ठीक है। तो फिर हम सब हंसने लग गए पूरा ग्रुप, तो क्या, तो उसका मेरे को बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव लगा, उसने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने 500 दिए, इवन आई नो दैट दिस कॉस्ट 300, यू ऑलरेडी टोल्ड मी दिस, और मैंने 200 एक्स्ट्रा पेड करे, द रीज़न बीइंग कि मेरी वजह से उसकी फैमिली पे पैसा जाएगा और मेरे लिए 200 डजंट मैटर, तो कोई नहीं ना जाने दो। और किसी का, और 4 बंदे और थे उनमें से किसी का ये आउटलुक नहीं था, द ओनली पर्सन जिसने ये बोला कि मेरे को पता मैं लौट रहा हूँ बट इट्स फॉर अ बेटर कॉज, बट मेरे लिए 200 रुपए बड़ी बात नहीं है, बट उसके लिए वो उसके लिए और बेटर कॉज के लिए, मेरे को पता मैं लौटा जा रहा हूँ बट ठीक है ना कोई नहीं। तो मेरे को ये पर्सपेक्टिव मैंने बोला यार उन चीजों को इस पॉजिटिव साइड से भी तो देख सकते हो। एग्जैक्टली, तो ऐसा नहीं सोचना था कि हमारे साथ गलत हो गया। हाँ, जैसे कि बाकी सारे आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि इंडियन स्कैम, इंडियन देश, इंडियन इतने का, अब वो भी तो ये करते कि प्राइस एक्स्ट्रा बोल देते हैं, राइट। और उसको तुमने स्कैम करके तमिलनाडु में डाल के यूट्यूब पे वायरल वीडियो डाल दी, और उसका कितना पॉजिटिव आउटलुक था इस चीज को लेके। तो इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव, तो जितना आपका पर्सपेक्टिव मिलते हैं यू विल ग्रो एंड लर्न इन द लाइफ। सोलो ट्रैवल करना चाहिए, बिल्कुल। लाइफ आई विल ट्राई माय बेस्ट, अब मैं जल्दी से प्रिपेयर करता हूं। लाइफ पूरी लर्निंग जर्नी तो है, और क्या है, है। यही मैं बोलने वाला था कि डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट लोगों से कितनी नई चीजें सीखते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, यार लाइफ बहुत बड़ी है, इन जनरल इतना लंबा जाना है लाइफ में अगर आपको, एक्चुअली में हर एक पर्सन को थोड़ा सा जानने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल। और जो एक और चीज मैं ऐड करूंगा सोलो में, जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड ग्रुप के साथ जाते हो, एनीवन गोइंग विद योर फैमिली, मैं नहीं बोल रहा कि जाना नहीं चाहिए, फैमिली का घूमने का अलग मजा है, फ्रेंड्स के साथ अलग घूमने का मजा है, और सोलो का अलग है। बट जब आप अपने नॉन पर्सन के साथ घूमते हो ना, तो क्या होता है, तो आप अपने ना उसी पर्सपेक्टिव के बबल के अंदर होते हो। आपने देखे जब घूमने जाते हो तो आप वही बातें कर रहे होते हो, वहाँ जाके भी देख इसको देख वैसा देख ये देख वो देख। अब जो तुम्हारे जो अब तुम सोलो ट्रैवल कर रहे हो ना, शायद तुम किसी से कनेक्ट हो जाओ, तो तुम दोनों भी आपस में करोगे कि ये ऐसा वैसा, माइट बी नॉट ऑलवेज, बट तुम्हें पता चलेगा यार कि ये बिल्कुल अलग जगह से बंदा है, ये इस तरीके से भी सोचते हैं, ये भी सोचते हैं, तुम दोनों फ्रेंड हो इसलिए फ्रेंड हो ना कि तुम्हारा सोचने का तरीका काफी हद तक सिमिलर है काफी हद तक, तो तुम सिमिलर ही बात करोगे ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपने मैंने एक चीज पे बात करा और आपने एग्री कर दिया बात पे कि हाँ सही कह रहे हो, तो इसके अंदर मैंने क्या सीखा, कुछ नहीं सीखा। अब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया, तो अब आप मेरे को मना करोगे नहीं नहीं भाई ये ना इस तरीके से हो सकता है, ये करके बेटर हो सकता है, उसमें कुछ ऐड हो सकता है, तो मैं उसमें कुछ लर्न करूंगा। तो जब आप अपने लोगों के साथ होते हो तो आप मोस्टली एग्री कर जाते हो बातों पे, जब आपको 30% से मिलते हैं ना, तो आपको चीजें डिसएग्रीमेंट्स भी बहुत बार आपको नई लर्निंग्स दे जाती, बिल्कुल। हाँ, और डिसएग्रीनेस से ही मेरे को लगता है मोस्टली ज्यादा लर्निंग होती है, हाँ हाँ करके कुछ नहीं होता, आपने हाँ मान ली, नो डाउट ये होता है, ठीक है। तो सोलो ट्रैवल करते हैं, तो मैं भी आई समवन इज सोल्ड फॉर सोलो ट्रैवल,
बिजनेसमैन अपने टेक्टिक्स को अपना के सारी चीजें ब्रो ये बट ऑनेस्टली ये स्टैट्स बेस्ड नहीं था सर, ये इमोशन बेस्ड था, ये इमोशन बेस्ड था। और ये मैंने लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई तो आपने मेरे साथ डिस्कस किया था, मैंने सोचा था इसके बारे में कि यार आई विल, बट वो ये थोड़ी हेजिटेशन पहली बार होती है क्या, हां होती थी भाई, होती तो 100% होती है। मैं बोल सकता हूं मैंने 3 बार प्लान करने के बाद जाके मैं सोलो गया था, तब गए। और पहले कहां गए, फर्स्ट टाइम फर्स्ट सोलो ट्रैवल मेरा कौन सा था, मेरा मैकलोडगंज ही था, मैकलोडगंज। उसके बाद, उसके बाद मेरा था जयपुर, जयपुर, उसके बाद ऋषिकेश। ओके ठीक है, तो मैं देखता हूँ अब मैं कहाँ से स्टार्टिंग करूँ। ऋषिकेश तो मैं अभी हो कह रहा हूँ। अब मैंने वैसे ऐसे प्लान किया कि मैं हर मंथ एक स्मॉल ट्रिप या लॉन्ग ट्रिप जैसे भी, और अदरवाइज क्या कहते हैं एक स्टेकेशन करूँगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बैठूँ अपने साथ। और मोस्टली कैसे करते हो ट्रैवल, कैसे मतलब लाइक होटल्स में रुकते हैं हॉस्टल के अंदर? हाँ यूजुअल, मतलब इस बार तो हम लोगों ने होटल ही लिया था, हॉस्टल हॉस्टल। अब नेक्स्ट यही करूंगा, ऑफ कोर्स अकेला जाऊंगा तो फिर हॉस्टल हॉस्टल ट्राई करेंगे। हाँ। बहुत सारी चीजें लाइक इस बार हमारी ट्रिप बढ़िया रही यार, मजा आया। बट दो पता क्या हुआ, 2 दिन प्रॉपर बारिश ऋषिकेश में, मोस्टली टाइम हमारा होटल में। और पता क्या हुआ, हम होटल के अंदर है बारिश रुक रही है, हम होटल के बाहर पैर रख रहे हैं बारिश हो रही है, मतलब ऐसी चीज हो रही है। तो हमने कहा यार चल ठीक है। फिर लास्ट डे शूट करना था, वर्क कैसे मैनेज कर रहे थे या बिल्कुल ऑफ कर रखा था? ऑफ कर रखा था, ऑलमोस्ट ऑफ था, बस एक दिन ही मैंने काम किया था। क्योंकि एक्चुअली क्या था, हम सैटरडे संडे मंडे का फो हुआ था, तो सैटरडे संडे तो ऑलमोस्ट ऑफ ही था, मंडे थोड़ा सा एक्टिव रहे थे हम लोग। Got it. क्योंकि अब अभी मेरे को भी बिजनेस में फुल ऑन ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और चीजों को क्रिएट करने में टाइम लगता है, एंड आई बिलीव इन द प्रोसेस, मेरे को प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस स्टेज पर मेरे को एक्चुअली में जाना है, उस स्टेज पर जाने के लिए मुझे टाइम लगा, एंड आई एम रेडी टू गिव दैट। तो वो मजा भी आ रहा है, सही है, ठीक है। एंड पता है हम लोगों ने ना ये भी प्लान आउट किया था, जैसे बिल्कुल कोई प्लान नहीं था मेरा, जैसे आपसे भी कॉल पे बात हुई थी, हमारा कल होना था बट आज हो रहा है पॉडकास्ट, मेरा कोई प्लान नहीं था हम शूट कर आएंगे, बट एक क्लिक हुआ यार हम लोग इस टाइप से कुछ क्रिएट करते हैं। पता है वो कैसे आया था माइंड में, खुद के साथ बैठने से, कि यार मैं ना कुछ ऐसा क्रिएट करूंगा और इस तरीके से लोगों तक। तो बिल्कुल वो सेल्फ डिस्कशन, सेल्फ कॉन्वर्सेशन वो इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। आपको पता है ना क्या चीज़ सुनाऊंगा इसके बाद में, आपको ना वो सुनाऊंगा कि मैंने क्या क्रिएट किया है। सो कि क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए लाइफ में, या क्या चीज़ें करना चाहिए, मतलब कि क्या है ना, बाकी सबके थॉट्स जब आप अपने खुद से बात नहीं करते ना, तो यूजुअली मेरे को लगता है पर्सनली, हो सकता है माइट बी रॉन्ग, कि आप दूसरों के थॉट प्रोसेस या थिंकिंग लेवल के हिसाब से, या वो मेरे बारे में क्या सोचता है, या मेरे को ऐसा करना चाहिए, या अब किसी थर्ड पर्सन ने आपकी क्या इमेज बना रखी है, पर्सनालिटी जो बना रखी है, तो आप उसकी बेसिस पे भी डिसीजन लेते हो। कि आप किसी के सामने, आप अगर बिजनेसमैन की आपकी वो है ना, तो आप उसके सामने उसी तरीके के डिसीजन लोगे, आप अपने आप को नो डाउट एक स्टूडेंट शोकेस नहीं करोगे, तो उसके माइंड में आपके लिए एक इमेज बन रखी है ना, विच यू हैव टू बी लाइक ऑलवेज बी अप टू दैट मार्क, आप उसको ब्रेक नहीं करो, यू विल ट्राई ऑलवेज कि मैं वैसे ही करूं, ऐसा ही करूं, मैं कि मैं यार ऐसे नहीं, वैसे, हाँ, ऐसे ही होना। तो जब आप खुद से बात नहीं करते ना, यूजुअली आप वैसे ही जो एक मार्किंग बनी हुई है उसी मार्किंग के बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करते रहते हो। नो डाउट, ये अग्री करूंगा मैं इससे। ये होता है कि बहुत बार आपके डिसीजन सामने वाले बंदे की जजमेंट्स पर डिपेंड हो जाते हैं, अगर आप बहुत, अगर आप खुद से बैठ के बात नहीं करते। तो ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक हम लोग घूम भी आए, हम लोगों ने बातें भी सारी कर ली, बिजनेस वाली बात कर ली। अब लाइक जो पर्सन यहाँ तक स्टिक हुआ है ना, जिन्होंने हमारी कॉन्वर्सेशन यहाँ तक सुनी है, आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू। अब ऑफ कोर्स आप आए हो सारी चीजें, एंड मेरी ऑडियंस को मैं कुछ डिलीवर करना चाहूंगा, तो ये अनप्लान्ड था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स यहाँ तक देखेंगे पॉडकास्ट को, यार कुछ तो डिजर्व करते हैं वो लोग आपके एंड से। तो ज्यादा नहीं मांगूंगा आपसे कुछ, बस ये मांगूंगा कि जो भी इस पॉडकास्ट के थ्रू आपके पास आए, ठीक है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर लूंगा, एंड ऑफकोर्स मैं स्टोरीज पर हर जगह पर टैग करके चक्षु भाई को वहां पर बता दूंगा कि हम लोग कुछ प्लान आउट कर सकते हैं। मैं लाइक टोटली डिपेंड्स, अगर वो ई कॉमर्स सीखने के लिए आ रहा है या ऑलरेडी डूइंग ई कॉमर्स, तो कुछ गाइडेंस चाहिए कुछ भी, तो ऑफकोर्स वी कैन डू समथिंग फॉर देम। एंड टोटली इस चीज की श्योरिटी है हम लोगों को कि हम लोग जो प्लान आउट करेंगे वो फ्रूटफुल होगा,
करेक्ट. अब ये कर सकते हैं एग्जांपल के लिए कि वी डू वीकली क्यूएनएस, जो कि क्यूएनएस ओनली फॉर लाइक जो हमारे कम्युनिटी के अंदर पहले से है पेड क्लाइंट्स, ठीक है. तो उसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि अगर कोई मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है कि मैंने पॉडकास्ट साहिल भाई के पॉडकास्ट देखा है, तो आई कैन लाइक मैं एवरी संडे हम करते हैं, तो हम संडे को मैं उनको लिंक भेज दूंगा दैट यू कैन जॉइन और आस्क समथिंग ऑन द क्यूएनए. अब इसके लिए थैंक यू, ये लोग मुझे बोल देंगे क्योंकि कन्विंस करना आसान नहीं होता है. हमारा आपका सबका, और जिस पर्सन ने इतना थ्रू आउट पूरा देख कर एंड तक हमारे पास आया ना, कि भाई उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए. एंड वी बोथ बिलीव इन वन थिंग, दैट इज ट्रस्ट. एंड कोई पर्सन हमारी अगर कॉन्वर्जेशन इतनी लंबी तक सुनता हुआ है, तो उसको हमारे ऊपर कुछ ना कुछ ट्रस्ट हुआ होगा, तो एंड हम लोगों को उसको रिवॉर्ड करना चाहिए. बस ये मेरा माइंडसेट थोड़ा सा बोला, एंड वी विल फॉर श्योर डू इट. तो ऑफकोर्स कॉन्वर्जेशंस काफ़ी लंबी हो गई हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें मेरे को भी सीखने की मिली होंगी, होप सो मेरे कुछ एंड से आपको भी मिली होंगी, एंड हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारे न्यू इंसाइट्स इन टर्म्स ऑफ बिजनेस लाइफ हर एक चीज़ माइंडसेट में मिली होंगी. तो लास्ट में कुछ वर्ड्स जो आप बिजनेस से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड कुछ भी ऑडियंस को बोलना चाहते हो, कुछ भी. सी देखो, ये बिजनेस पॉडकास्ट ही था, आई विल स्टिक विद बिजनेस और वर्क रिलेटेड ही. तो इसके अंदर मैं ये एडवाइस करूंगा कि व्हाटएवर आप कोई भी बिजनेस, आप कोई भी वर्क कर रहे हो, लाइक एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, वो एक फ्रीलांसिंग हो या कोई हसल हो सकती है और एक साइड बिजनेस भी हो सकता है, तो हम ये एडवाइस रहेगी कि मेक श्योर कि उसको जितना जल्दी हो सके उसको बिजनेस क्रिएट कर दो. बहुत डीप, एक्चुअली में बहुत डीप बात बोली है लोगों को, बहुत लोगों को थोड़ा सा इलैबोरेट करना कि उन्होंने एक्चुअली में कहा क्या है. इफ मतलब अगर मैं शायद सही बोल रहा हूँ तो आप बताना, उनका कहने का मतलब ये था कि आप कर रहे हो उसको इसलिए नहीं करो कि आपको करना है, बस आप करे जा रहे हो, एक्चुअली में उसको कैपिटलाइज करो, करेक्ट, बिजनेस क्रिएट करो उसका, यही मेन फोकस था. ये ना मैं आज के टाइम पे क्या हुआ ना कि एक तो पहले होते थे हमारे लाइक अगर हम 10-20 साल पहले चले जाते एग्जांपल के लिए, तो एक होते बिजनेसमैन होते थे, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योर्स भी होते थे, मगर उनका लेवल बहुत अलग होता था. और बाकी थे कि जो जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग इज वेरी लिमिटेड, बट फ्रीलांसिंग भी उस टाइम पे था. तो एक तो जॉब है, जॉब के अंदर कोई बुराई नहीं है, आप करो, ठीक है, टोटली डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, राइट, ठीक है, इंडियन वर्कफोर्स चाहिए हमें, ठीक है. तो उसके बाद फिर आता है आपका बिजनेसमैन जो बिल्कुल कैपिटलाइज, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप फॉर एन एग्जांपल ले लो, अंबानीज वगैरह, अडानीज, तो ये प्रॉपर बिजनेसमैन हो गए आपकी, वही एक्स वाई जेड सीमेंट कंपनी वाले भी एक्स वाई जेड सीमेंट कंपनी, ठीक है. तो अब क्या ना आज के टाइम पे इंस्टाग्राम यूट्यूब की वजह से ना बहुत फैंसी हो गया कि आई एम लाइक हसलिंग, आई एम एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कुछ भी बोल लो आप, तो बहुत फैंसी सा हो गया. इसका ना कुछ है नहीं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग मोस्टली, लाइक मैं नहीं कहूँगा गलत है, बट मोस्टली कर रहे हो. और शार्क टैंक आके तो बहुत ही बेकार हो गया है अभी. अच्छा, बेकार हो गया है, मतलब लाइक ये देख बताऊँ क्या है कि जिन लोगों को करना था ना काम बिजनेस वगैरह, उनके लिए शार्क टैंक इंपॉर्टेंट नहीं था, बिजनेस करना इंपॉर्टेंट था. नहीं नहीं, मतलब उनसे एक होता है, देखो जिनको इंस्टिंक्ट है उनका वो करेगी ही करेंगे, ठीक है, एक है देखा देखी वाला पंप तो, हो गए करना स्टार्ट कर दिया, मोटिवेशन आ गया. जिनको जो जिनको बिजनेस करने उनके लिए शार्क टैंक इंपॉर्टेंट नहीं था ना, वो वैसे भी उनको वो वैसे भी करती और वैसे भी कर ही रहते हो. इसमें क्या है ना एक्स्ट्रा बहुत बोल सकते हो एक्स्ट्रा ऑडियंस आ गई जो एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं. बहुत लोग ये भी बोलते हैं शार्क टैंक इज मेनली मतलब अभी के लिए मार्केटिंग स्टंट बन गया है. मैं एक चीज बताऊंगा कि मेरे रियल मामा सोनी के अंदर है, ठीक है, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बट वो सोनी के अंदर है, तो मेरे को इंटरनल बहुत सारी चीज पता है कि ये डेली सोप रह गया अब या ठीक है समझ गया, ठीक है, मतलब सोनी प्रोडक्शन हाउस के अंदर ही है वो. ओके, तो उनको बहुत क्लियरली पता है कि किस तरीके से चल क्या चीजें चल रही हैं क्या नहीं. हाँ, तो अब जो हम एंटरप्रेन्योर वाली बात करें तो बहुत फैंसी हो गया, तो इसके अंदर क्या है ना मोटिवेट होके लोग पंप हो रहे हैं और हसलिंग कर जा रहे हैं कि हसल की हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, मगर जब तुम उसको पूरे सिस्टम्स के साथ में बिजनेस नहीं बनाओगे, प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं करोगे कि तुम ही लगे रहोगे, तो तुम्हारी वेल्थ नहीं बनने वाली यार, वेल्थ बन ही नहीं सकती किसी भी एंड पे. मेरे को बताना, जो कोई एक फ्रीलांसर का नाम बता दो यार एंटरप्रेन्योर का जो बिना टीम्स के सिस्टम्स के बिना वेल्दी हो है.
पैसा तो हर कोई कमा लेता है, वेल्थ बनाना इज इंपॉर्टेंट। अगर बातों से मैं थोड़ा सा शॉर्ट, अगर मैं रिच की भी बात करूं, रिच फर्स्टली सब्जेक्टिव हो गया और पर्सपेक्टिव बेस्ड है कि रिच क्या कंसीडर आपके लिए करता है, मेरे लिए और इनके लिए अलग, ठीक है। और सेकंड है कि मेरे को बताओ ना, ये यूट्यूबर्स सेलिब्रिटीज इन सब के अलावा कौन सा फ्रीलांसर है जो बहुत पैसे कमाता है? अगर होगा भी तो एक्सट्रीमली नीश्ड होगा और अपने जो नीश पॉइंट होगा उसका मास्टर इन द अपना हसलिंग छोड़ के उसको बिजनेस क्रिएट कर दो। अगर उसका बिजनेस नहीं बन सकता तो कुछ और देख लो, जल्दी देख लो ग्रेट एडवाइस। हाँ, क्योंकि जो आपकी हसलिंग है या तो हसल ही है वो ज्यादा टाइम चलेगी नहीं। सेकेंडली मोस्ट प्रॉब्लम हो सकता है तो AI खा जाएगा उसको। खा जाएगा, ठीक है। तो हम एंड अप करते हैं। तो ऑफ कोर्स गाइस, अगर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हो तो कमेंट्स में बताओ, एंड ऑफ कोर्स गो कनेक्ट विद चक्षु शर्मा, बहुत सारी चीज़ें इनसाइट्स आपको और भी मिलेंगी। एंड मेजर थिंग, मेरे को ना दोबारा इनवाइट करने के लिए ना आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, अदरवाइज टाइम कोई नहीं निकाल पाता है जल्दी से। एंड थ्रू आउट कॉन्वर्जेशन आप लोगों को पता चल गया होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस में इंडल्ज है तो टाइम किस तरीके से निकाला होगा। तो वी हैव टू वैल्यू दैट। कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छे और इनसाइट्स आप लोगों को चाहिए तो यू हैव टू फिल द कमेंट बॉक्स, एंड तभी मैं शॉर्ट लिस्ट करूंगा एंड हम लोग दोबारा एक बार बैठेंगे फॉर श्योर। तभी कमिटमेंट ले पाऊंगा जब आप लोगों के अच्छे क्वेश्चंस होंगे। अगर आपके कोई इंटरेस्टिंग या अच्छे क्वेश्चंस होंगे तभी, तो श्योर आई विल डू इट। बाकी तो हम कॉन्वर्सेशंस करते रहेंगे, कॉल पे करते रहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच अक्षु भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत सारी इनसाइट्स मिली, ग्रेट एडवाइजेस एंड लाइफ लेसंस, एवरीथिंग। अच्छा लगा, मिलते हैं जल्दी से। थैंक यू फॉर हैविंग मी।